everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। पिछले चैप्टर में आपने डेवलपमेंट पढ़ा, विकास की बात कर रहे हो आप, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हो आप ये, तो आपने इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट को समझा, विकास को समझा। अब वही डेवलपमेंट वही विकास आप थोड़ा और ऊपर उठ के आओगे तो आप इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करोगे। इकोनॉमी का डेवलपमेंट कब होगा? जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही होगी। उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको, हमको, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो हम काम जब कर रहे हैं तो काम कोई प्राइमरी सेक्टर में कर रहा है, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शरी, तो क्या समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन दी वर्किंग कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन दी वर्किंग स्टाइल, डिपेंडिंग ऑन दी ओनरशिप ऑफ दी सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स, और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन्हीं सभी सेक्टर्स के बारे में आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आई होप यू गॉट दी क्रक्स। तो बेसिकली मैं आपको थीम और अच्छे से समझाता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले, और सब्सिक्वेंटली एक एक टॉपिक को हम पढ़ते चलेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं। क्लियर है? तो देखो क्या, इकोनॉमी, पीपल आर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज एंड यू नो दिस वेरी वेल, कि लोग अलग अलग तरह के काम में एंगेज है। क्या देखते हो आप कि कोई खेती कर रहा है, आप ये देखते हो कोई पढ़ा रहा है, आप ये देखते हो कोई फैक्ट्री में कुछ सामान बना रहा है। अब काम सभी कर रहे हैं, काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, लेकिन काम तो काम होता है। बाकी अब बीइंग अ स्टूडेंट आपको एनालाइज करना होगा कि जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। जो खेती कर रहा है वो नेचर और नेचुरल प्रोडक्ट से काम ले रहा है, ठीक है, वो उनसे जुड़ा हुआ है। जो पढ़ा रहा है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और फिर आप जिस देखोगे तो कोई अगर फैक्ट्री में कुछ सामान बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर से कुछ लेके गया हो, मान लो गेहूं लेके गया हो, गेहूं से बिस्किट बना रहा है वो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सबका नेचर जो है, सबका नेचर ऑफ वर्क जो है वो वैरी करता है, नेचर ऑफ वर्क वैरी करता है, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स, और इसी बेसिस पे इकोनॉमी को आप अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलता है कि पीपल आर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी एंड दिस मेक्स अप द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन तरह के ब्रॉड सेक्टर्स है जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब क्या होगा ना, आप जब आगे और क्लासेस में पढ़ोगे तो आगे और क्लासेस में आप और भी बहुत सारे जैसे क्वार्टनरी, इक्वेनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर? देखिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है, तीनों सेक्टर का मैंने आपको एक क्रक्स बताया कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को जैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सवाल आया आपके मन में, अभी जवाब मिलेगा। और अब एक चीज और लिखी है क्या, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। तीनों इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, ये भी आपके मन में सवाल आया, तो अब ये आपके एग्जाम में भी सवाल आएगा। जो मन में आ सकता है वो टीचर के मन में भी आ सकता है, और वो टीचर के मन में आ सकता है तो एग्जाम में भी आ सकता है। तो उस हिसाब से पहले ये समझो, क्या समझो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स क्या है। फाइन, तो व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, हाउ प्राइमरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, हाउ टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन जो होगा, सवाल जो होगा वो होगा बहुरूपिया, वो किसी भी रूप में आ सकता है। आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अर्जुन बनो, ठीक है, आप अर्जुन कैसे बनो, तो आपका लक्ष्य मछली की आंख होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एंड आई विल इंश्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए बहुत अच्छी तरह से, फिर क्वेश्चन कैसा ही आ जाए आपसे बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है। तो ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपने कि एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड By exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. Primary sector क्या है? तो वो सारी गतिविधियां, वो सारी activities जो direct primary sector, मतलब direct क्या हो रही है, direct nature से आप जहां extract कर रहे हैं, natural resources को आप extract कर रहे हैं, natural resources के साथ deal कर रहे हैं। जैसे जैसे यहां पर कौन खड़ा है, किसान, ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या, एग्रीकल्चर में आप मिट्टी, बीज, पानी, ठीक है, इन सारी चीजों की मदद से क्या कर रहे हैं, नेचर से क्या इंटरैक्ट करके क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर को, बिकॉज दिस सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल में बच्चा पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले प्राइमरी पढ़ता है, मतलब प्राइमरी क्या है कि छोटी क्लासेस, स्कूल में बैठना पहले सीखता है, फिर प्राइमरी के ऊपर फिर क्या होगा, तो जैसे आप देखोगे सेकेंडरी, वेकेंडरी, सारी हायर सेकेंडरी, ये सारी स्कूल मतलब क्लासेस आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी। तो प्राइमरी मतलब बेस। अब क्या हो रहा है कि मान लो अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे, कुछ भी प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपने देखा कि मैगी की बात कर लो, आप टमाटो केचप की बात कर लो, तो सब कुछ इंडस्ट्री में बन रहा है ना,
लेकिन वो इंडस्ट्री में टमाटो कैचअप ऐसे थोड़ी ना मंत्र पढ़ते तो टमाटर के पेड़ उग जाते हैं, उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप नेचुरल रिसोर्सेस को ग्रो कर रहे हो, टमाटर को ग्रो कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वही टमाटर आगे के डेवलपमेंट्स के लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा, वो टमाटर एक प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे टमाटो कैचअप जो है, तो वो टमाटो कैचअप वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरह से तीनों सेक्टर्स को समझाने में मैं यूज करूंगा बार बार, तो बियर विद इट। हाँ, तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है प्राइमरी सेक्टर क्या है, कि दोज एक्टिविटीज, या फिर प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती है विच आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए जिन एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जाता है, ठीक है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होगी। अब उसे प्राइमरी क्यों कहा जाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिक्वेंट क्या करती है, एक बेस बनाती है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट समझना, क्योंकि दूसरे सेक्टर जो है, मतलब ये आप प्राइमरी सेक्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सब के सब सारे प्रोडक्ट जो है तो वो नेचर से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कह लो या प्राइमरी सेक्टर कह लो, घबराना मत, ठीक है। ये आपका प्राइमरी सेक्टर हुआ। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ रहा है, तो दिस सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural products are changed into other forms, ठीक है, through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। यहाँ पे क्या है, secondary sector की अगर बात की जाए तो secondary sector में आपको ध्यान रखना होगा कि secondary sector में क्या रहा है, जो natural products आपने primary sector में produce कर लिए, जो primary products थे इसीलिए उसे primary sector कहा जा रहा था, है ना। तो उन प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को आप क्या कर रहे हैं, उन प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं आप, उनका फॉर्म बदल दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में, ठीक है, दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो यहां पे क्या हो रहा है, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। समझ में आया, तो यहाँ पे वो जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका फॉर्म बदल दिया जा रहा है। अब उसका फॉर्म ऐसे मेकअप वेपअप मेकअप करके नहीं बदल दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसे आप इंडस्ट्री में ले जाते हो, उसका फॉर्म ऐसे बदलते हो कि टमाटर को क्या कर दिया, पिचका पुचकू के सब कैचअप बना दिया। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप नेचुरल प्रोडक्ट का फॉर्म बदल दे रहे हैं थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप कुछ और बना रहे हैं, कुछ उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। और इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर जो है, तो सेकेंडरी सेक्टर को इसीलिए क्या कहा जाता है, जैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तो द सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप, इट इज आल्सो कॉल्ड अस इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाटएवर सूट्स योर नीड। सो ना इसका एग्जांपल तो वही हो गया कि टमाटो से टमाटो केचप बनाना, जैसे आप क्या देख रहे हैं कि गेहूं और शक्कर वगैरह ये सब कुछ कहां प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आप देखोगे प्राइमरी प्रोडक्ट है, लेकिन वो सारा सब कुछ लेके प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके उससे बिस्किट बना दिया, ठीक है, होल ग्रेन बिस्किट जो बना दिया, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल या फिर क्या कह लो आप उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह लो। अब टर्शियरी सेक्टर जो होगा आपका तीसरा, तो दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्या हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आप देखोगे तो टर्शियरी सेक्टर में वो सारी चीजें आएंगी, वो सारी एक्टिविटीज आएगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ में मदद करती है। कैसे, तो अब टर्शियरी सेक्टर का एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, सर्विस प्रोवाइड करना, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे वो टमाटो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ, खेती करके प्रोड्यूस किया, ठीक है, उस टमाटो से टमाटो कैचअप बनाना है तो वो कहां जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि टमाटो के पैर निकल आएंगे बड़ा होते से और बोलेगा मैं दौड़ के जा रहा हूँ बाय, ठीक है, अपने पौधे को मना बोलते हुए कि मैं जा रहा हूँ उधर किधर फैक्ट्री में जा रहा हूँ कैचअप बन के आऊंगा, ऐसा नहीं होता है ना। वहां पे क्या होगा, बेसिकली वहां पे आपको ले जाना पड़ेगा उसे। अब ले जाना भी तो सिर पर उठा के नहीं ले जाओगे आप, क्या होगा, तो आप देखते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी होगी, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ट्रक लेके आएंगे, और रेफ्रिजरेटेड हो सकता है कहीं दूर ले जाना हो, तो उसके अंदर क्या पूरे टमाटो जो है तो उन्हें सारे टमाटो उसको लोड किया जाएगा और फिर वो बाय बोल देंगे, ठीक है, कि जाओ कैचअप बन के आना। तो उस सेंस में क्या हो रहा है, उस सेंस में जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल जो दिया, एग्जांपल से समझो यहां पे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन किस सेक्टर में आएगा, क्योंकि उसमें भी ड्राइवर है, उसमें भी ट्रक जो चला रहा है वो भी, एक कंडक्टर भी बैठा होगा, आंदो आंदो करता है पीछे से, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी किस सेक्टर में आएगी, वो टर्शियरी सेक्टर में आएगी। समझा ना मेरे पॉइंट को, कनेक्ट करा। तो दीज आर दी एक्टिविटीज दैट हेल्प इन दी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर दी प्रोडक्शन प्रोसेस।
तो ये क्या हो गई, ये सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी सेकेंडरी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो अपने आप में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन के लिए। दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन के लिए कैसे, तो मान लो इंडस्ट्रीज में क्या बन रहे हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स बन रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल टूल्स ट्रैक्टर अपने आप नहीं चले जाएगा, टार्जन वाला ट्रैक्टर नहीं है, उसे जैसे आप ले जाओगे तो वो ट्रैक्टर को छोड़ के आना है, फिर ट्रैक्टर सेल करने के लिए शोरूम वगैरह ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर तक पहुंचाता है, प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाता है, और पहुंचाने वाला कौन है, टर्शियरी सेक्टर है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आया, सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, ये सर्विसेज जनरेट कर रही है, इसीलिए उसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। और इनफैक्ट जैसे आज आप देखोगे तो आज क्या है, एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम कि टर्शियरी सेक्टर जो है बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई देयर इज ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर, तो वी विल डिस्कस ओवर देयर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा क्या, कि सर्विस सेक्टर जो है कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर को ग्रो होना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर जो है आपको टर्शियरी सेक्टर जो है ग्रो होते हुए दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आया, तो इस तरह से एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ टर्शियरी सेक्टर में वो चीज बताई गई है, क्लियर है। तो ये आपका टर्शियरी सेक्टर की कहानी हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब यहां पे आ जाओ वापस जरा, कि तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, मैंने बताया था। अब आप बोलोगे सर हम तो समझ गए इंटरडिपेंडेंट कैसे है, वही कैचअप वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। यहां टमाटर प्रोड्यूस हुआ ये, ठीक है, यहां टमाटर प्रोड्यूस हुआ, लाल कलर की प्रोड्यूस करते ना, यहां टमाटर क्या है सब प्रोड्यूस हुआ। अब ये टमाटर से क्या बनेगा, टमाटर से आप देखोगे तो उससे टमाटो कैचअप बन जाएगा, बॉटल में पैक हो जाएगा, ठीक है, तो ये टमाटो कैचअप बनेगा। अब ये टमाटो कैचअप कैसे बनेगा, तो वही वाली बात है, टमाटर खुद दौड़ के तो जाएंगे नहीं फैक्ट्री तक, लुढ़कते लुढ़कते गोल गोल, तो बोलोगे सर पैर की जरूरत नहीं, हो तो राउंड राउंड चले जाएंगे, लेकिन वहां तक ले जाने की ये जो टर्शियरी सेक्टर लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब मान लो क्या है कि किसी को क्या करना है, फैक्ट्री चालू करना है, तो जिसे फैक्ट्री चालू करना है उसे क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो वो बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए क्या करता है, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए, जैसे अगर आप देखोगे तो एक तरह से मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, कुल मिला के आप देखोगे टर्शियरी सेक्टर जो है तो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी का काम आसान हो सके। तो इस सेंस में अगर आप एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए आपको बनना चाहिए चीजें कि प्राइमरी सेक्टर में नेचर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सेक्टर जो है तो सर्विस प्रोवाइड करता है, और इंटरडिपेंडेंट ऐसे हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी के तो डिपेंडेंस आपको सीधे समझ में आ रही है, टर्शियरी की भी समझ में आ रही है डिपेंडेंस क्या, कि दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिजिंग का काम टर्शियरी कर रहा है, तो इस सेंस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब जैसे अगर हम देखें तो ये आपको थीम समझ में आ गई कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये तीन सेक्टर्स पढ़ेंगे, और इनके अंदर हम क्या क्या और पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक से देखो, ठीक है। तो अभी जो तीनों सेक्टर्स हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे कि तीनों सेक्टर्स में आप कैसे कंपेयर करोगे, जैसे आप बोलते हो तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन से मिला के जीडीपी निकलती है, जीडीपी क्या है, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो वो कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को, हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर, अब तीनों सेक्टर जो है तो तीनों सेक्टर्स में आपको क्या देखने को मिला है, कि एक बदलाव देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि आज से 50 साल पहले जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे थे आज भी वही स्थिति है, नहीं, आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, तो वो चेंज क्या है, कैसे देखने को मिला, वो सारी चीजें, तो हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया में हम जैसे अगली चीज क्या देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, और फिर आगे जो नीचे कहानी बढ़ेगी, तो कंपेयरिंग मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है, तो इसमें आप कंपेयर करने के बाद में, हिस्टोरिकल चेंज देखने के बाद में, इन तीनों सेक्टर्स को आपस में एनालाइज करोगे, क्या क्या आपको पता लगेगा टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, मैंने अभी बताया एक्सपेंडिंग नेचर, तो क्यों ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ में अधिकतर लोग कहां एम्प्लॉयड है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, और अगर टर्शियरी में एम्प्लॉयड है तो क्यों एम्प्लॉयड है, और एम्प्लॉयमेंट जहां कम है वहां कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, वो सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। तो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो कि सेक्टर जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, ये तो आपने क्या देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल या फिर नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क जैसे आप समझोगे तो उस हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया। लेकिन उसके अलावा जो है, तो उसके अलावा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी होते हैं, वो किस बेसिस पे हो गए, वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्क और वर्किंग कंडीशन के हिसाब से आप ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड बोल दोगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्यों है, कैसे प्रोटेक्ट करोगे, फिर क्या है, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप,
तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वही वाली बात है जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है चैप्टर वन में, ध्यान है क्या पढ़ा है कि बेसिस बदलोगे तो रिसोर्सेज बदल जाएंगे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में। वैसे यहां पे आप सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझ रहे हो तो ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगे, ठीक है, कि जो सेक्टर जिनके ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर हो गया, जिनके ओनर प्राइवेट है प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है। और यहां पे फिर एक एसोसिएटेड क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्यों गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, तो लास्ट के पार्ट में हम वो समझेंगे। क्लियर हुआ? तो ये पूरी रूपरेखा है इस चैप्टर की, ये पूरी कहानी है, पूरी रूपरेखा है, जिसे हम बहुत इत्मीनान से अच्छे से संभल के समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, सोशल स्कूल वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल याद से जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, कारण बताता हूँ, कारण ये कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आना है, ठीक है, वंस यू आर कनेक्टेड विद दी चैनल। अगली चीज जो है कम्युनिटी फीचर, जो कम्युनिटी फीचर है तो अनअकैडमी ऐप पर कम्युनिटी फीचर है, जहां से आप क्या करते हैं पीडीएफ नोट्स वगैरह जो सब है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, यूज दी कोड दिगराज, ठीक है, एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अगली चीज क्या है, अब अगली चीज है, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को लेते चलते हैं। पहला टॉपिक क्या देखो यहां पे, तो कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स, कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स क्या कह रहा है, आपको तीन सेक्टर बता दिए अभी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। तो दीज आर दी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सवाल ये है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। अगर आप प्राइमरी सेक्टर की ही अकेले बात करोगे तो प्राइमरी सेक्टर में कितना गेहूं, कितना चावल, कितना दालें, कितनी अलग अलग प्रकार का क्या देख रहे हैं आप, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग आ गए। अब वैसे अगर आप देखोगे तो अब क्या है कि ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, वो तो प्राइमरी का बताया, जैसे सेकेंडरी में देखोगे तो फैक्ट्रीज में कितने लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी खूब है। समझ में आ रही है कहानी? तो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो ये सारी चीजें चल रही है, एम्प्लॉयमेंट भी खूब जनरेट हो रही है। विच सेक्टर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स व्हाट इन इकोनॉमी, तो अब सवाल यहां पे आता है कि कौन सा सेक्टर इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है इस केस में, ठीक है। आप कैसे पता लगाओगे, मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना प्रोडक्शन, इतने लोग काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ऑल दीज डिटेल्स, हाउ विल यू कैलकुलेट ऑल दीज डिटेल्स, आप ये कैसे जानकारी निकालोगे, ठीक है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दीज, ये पूरा का पूरा सब कुछ, पूरा सिरदर्द कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं, कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, तो अब मैं आपको वो समझाता हूं। देखो यहां पे, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, बहुत बेसिक से चीजों को समझना होगा। जीडीपी, जीडीपी आप सुनते आए होंगे आज तक, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आज के बाद में आपको जीडीपी वाला जो शब्द है ये परेशान नहीं करेगा, इसकी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार जीडीपी क्या है और किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है किस चीज में, इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर के गुड्स जो है उन्हें जब आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट करोगे, तो कैसे करोगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आना है, 100% एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आना है। क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आना है, कि गेहूं को आप कार से कैसे कंपेयर कर दोगे, क्यों, क्योंकि गेहूं अलग चीज है, कार अलग चीज है। आप बोलोगे कि दान, मतलब एक कार यानी एक गेहूं का दाना, हाँ सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब हाँ सेकेंडरी सेक्टर में भी एक कार प्रोड्यूस हुई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक गेहूं प्रोड्यूस हुआ, तो वो कोई मतलब सुर और ताल ही नहीं मिल रहे ना उसमें, कितनी डिस्पैरिटी है। तो उस तरह से आपको ये समझना होगा कि देयर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन काउंटिंग कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम नेल्स टू कार, ठीक है। यू पीपल माइट बी सरप्राइज सर, समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं समझाता हूं, मैं आपको सब समझाता हूं किस तरह से। तो एक एग्जांपल लेंगे हम अभी, जिससे बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा कि ये नेल्स और ये कार्स, ये वाला एग्जांपल लो, ठीक है। क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो ये भी एक प्रोडक्ट है, एक खिल्ली प्रोड्यूस करना, और कार भी एक प्रोडक्ट है, एक कार प्रोड्यूस करना भी एक प्रोडक्ट है। अब अगर आप कंपेयर करोगे, आप बोल दोगे कि नेल्स जो है, तो हमारे पास 1000 नेल्स प्रोड्यूस हुई है, तो 1000 नेल्स प्रोड्यूस हुई है तो 1000 कार भी प्रोड्यूस होना चाहिए, तब दोनों सेक्टर बराबर में आएंगे। तो ये तो क्या है, सरासर गलत है, क्यों, क्योंकि खिल्ली और कार में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। 1000 खिल्ली में आप जितने पैसों में खरीदोगे उतने में शायद ये हो सकता है कि कार के सीट कवर भी नहीं आए, ठीक है, सीट कवर भी ना आए। तो उस सेंस में क्या हो रहा है, उस सेंस में अगर आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इकोनॉमिक में अलग अलग सेक्टर्स को कंपेयर करोगे ना, तो बहुत डिस्पैरिटी आएगी, क्यों, क्योंकि हर प्रोडक्ट की वैल्यू अलग है, क्या अलग है, वैल्यू अलग है। तो यही समाधान भी मिल गया, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज पे प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं करते, इकोनॉमी को कंपेयर नहीं करते हम क्या करते हैं, इसीलिए हम सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो थी कि क्वांटिटी तो हर प्रोडक्ट की वैरी करेगी इकोनॉमी में, ठीक है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस,
समझ में आया ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ या सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में, तो उसके लिए आप उसकी क्वांटिटी मत देखो। क्यों? क्योंकि आप ये बोल दोगे कि चलो प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ कि 1000 नारियल जो है, नारियल पानी वाले 1000 नारियल प्रोड्यूस हुए, तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि 1000 नारियल प्रोड्यूस हुए। लेकिन अब आप बोलोगे सेकेंडरी सेक्टर में तो एक ही कार प्रोड्यूस हुई है, तो एक कार और 1000 नारियल दोनों की वैल्यू उसको लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी सेक्टर ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसके चलते क्या है, तो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट suggest the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. Actual numbers को add करने की जगह क्या किया जाए, value को add किया जाए, वो फायदेमंद रहेगा। समझे? तो फिर ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके आप ये जो हमारी समस्या थी, कौन सी वाली, ये वाली समस्या कि इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे, इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा, आप कैसे पता लगाओगे? तो वो स्वाभाविक था कि अगर एक एक प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं बता पाएगा आपको क्या, कि क्योंकि हर सेक्टर में अलग अलग तरह से अलग अलग नंबर्स में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नंबर्स पे तो आप ऐड कर नहीं सकते हो, नंबर ऐड करके नहीं बोल सकते हो कि इसमें ज्यादा इसमें कम। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, तो इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। और उसका क्या एडवांटेज है वो मैंने बता दिया, क्योंकि नंबर जो होंगे तो नंबर वैरी कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे वैरी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो होगी वो आपको अल्टीमेटली एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगी। समझ में आया ना, वो कहानी रही। अब लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, वैल्यू इज यूज नॉट क्वांटिटी, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पे आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ये पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना। क्या हो रहा है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू कंपेयर डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो आप क्या बोलेंगे कि वी कंपेयर डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वेरियस सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी नॉट देयर क्वांटिटी। अच्छी बात है, लेकिन जब अगर आप क्या कर रहे हैं वैल्यू को एड करते हो, तो वैल्यू में यह ध्यान रखना होता है, ये प्रिकॉशन ध्यान रखना होता है कि हर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो उसे उसकी वैल्यू को काउंट करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अभी मुझे पता है आपका मन ऐसा हो रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, डबल काउंटिंग और इंक्लूड हो जाती है, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं, ठीक है, सिंप्लीफाई करके देता हूं। देखो क्या है कि आपने क्या किया, आपने जैसे एक कार प्रोड्यूस करी, तो अब क्या है, वो कार और नेल्स वाले एग्जांपल में हमने ये समझ लिया था कि नेल्स के नंबर और कार्स के नंबर से कुछ मत देखो, उनकी वैल्यू से देखो। तो आपको पता है कि हाँ 15 लाख की कार है और जो नेल्स प्रोड्यूस हुई है 15,000 रुपए की भी नहीं है, तो आपको ऐसे आपने एग्जैक्टली वो देख लिया कि किस सेक्टर में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअल नंबर तो ब्लफ कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू मायने रखती है। तो 15 लाख की कार थी, अब उस कार के अंदर क्या है, अब उस कार के अंदर टायर भी है, उस कार के अंदर जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, कुशन भी है, मतलब सीट वगैरह जो बहुत अच्छी बना के दी है, उस कार के अंदर जैसे देखोगे तो एक हनुमान जी भी ऐसे लटका दिए। तो अब क्या हो रहा है कि वो टायर जो है, तो टायर किसी और कंपनी ने बनाया था, टायर किसी और कंपनी ने बनाया, टायर मान लो 10,000 में बनाया, तो वो टायर जो है ना, वो टायर की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है कार की वैल्यू में। तो आप 15 लाख की जो कार बोल रहे हो, तो 15 लाख की कार में क्या है, 15 लाख की कार में मान सकते हो कि 15 लाख की कार में 2.5 लाख का 3 लाख का इंजन होगा, ठीक है, 40,000-50,000 रुपए के टायर होंगे। तो उस तरह से आपने क्या किया, 15 लाख की कार के अंदर ये सारे गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये सारे गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि आप जब कार की वैल्यू ले रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट जो कार बनाने में इस्तेमाल हुए उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे, ये नया शब्द आ गया, जीडीपी क्या है, चलो पहले जीडीपी समझ लो। जीडीपी सिंपल सी चीज ये है कि देखो, जीडीपी सिंपल सी चीज क्या है कि आपकी कंट्री है, ठीक है, तो आपकी कंट्री के अंदर आप क्या देख रहे हैं, आपकी कंट्री के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, जितने गुड्स, ये तो इंसान हो गया यार, ठीक है, इनको डब्बे में बंद कर दो। तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए कहां, कंट्री के अंदर इन द सेंस कि मान लो किसी ने कुछ प्रोड्यूस किया, किसी ने कार प्रोड्यूस करी, किसी ने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया, किसी ने आप क्या कह सकते हो कि किसी ने वीट प्रोड्यूस किए, तो आपकी जीडीपी क्या होगी, तो दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, when their values are added together it gives us the GDP, gross domestic product। तो आपकी domestic territory के अंदर कितना produce हुआ है, तीनों sectors का आप क्या कर देते हो, तीनों sectors के जब value को add कर देते हो, मैंने आपको बताया कि compare करना है, ठीक है, calculate करना है economy कैसा perform कर रही है, तो उसके लिए आप actual numbers को हटा के value पे focus करते हो, तो वो तो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं क्या कि कंट्री जो है, तो कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वैल्यू को जब आप ऐड करते हो तो आपको जीडीपी पता चल जाती है। इतनी चीज समझ में आई है? तो अब हम वापस यहां पे आते हैं, कहां पे कि कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग, आपको पता है वैल्यू यूज करेंगे, नंबर्स यूज नहीं करेंगे।
लेकिन एक ध्यान जो देना होगा, एक प्रिकॉशन जो रखना होगा, वो क्या रखना होगा कि नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। क्यों? क्योंकि कुछ गुड्स और सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी क्या है, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी एक फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड एंड कैलकुलेटेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट टू इंक्लूड और कैलकुलेटेड, ठीक है, आर नॉट टू इंक्लूड और कैलकुलेटेड। ये क्या है कहानी, कैसे है, वाई? तो उसका वाई मैं आपको यहां पर अच्छे से समझाता हूं। देखो, अरे एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी अगर आपने समझ ली तो आपको पूरा जीडीपी का खेल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का खेल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का खेल सब कुछ समझ आ जाएगा। प्यार से सुनना, अगेन दिस इज द स्टोरी क्राफ्टेड विथ लव जस्ट फॉर यू पीपल, तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, अभी एक बार सारा रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि इस कहानी के बाद में एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। आपको इकोनॉमी के बारे में बताया, इकोनॉमी मतलब पूरी आपकी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर में प्रोड्यूस होता है कुछ ना कुछ, तीनों सेक्टर में अलग अलग तरह से प्रोड्यूस होता है। अब लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो और क्योंकि हर जगह अलग अलग क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस होती है, तो आप क्वांटिटी नहीं, आप क्या देखते हो, क्वालिटी। क्वालिटी किस टर्म्स में, कि कितना वैल्यू वो रखती है, वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो आप वैल्यू ऐड करते हैं रेदर देन एक्चुअल नंबर्स, ठीक है। लेकिन आप वैल्यू ऐड करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, एक बात का विशेष प्रिकॉशन रखना होता है। वो वैल्यू ऐड करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशन रखना होता है, तो वैल्यू ऐड करते समय आपको यह ध्यान रखना होता है कि आप हर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूडेड होती है और वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, जो पहले से किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या हो गया, बिस्किट जो हो गया, तो बिस्किट क्या है, वो डायरेक्ट पैकेट फाड़ के आपके पेट में ही जाएगा, ठीक है, कौन, बिस्किट, फाइन, पैकेट नहीं, तो बिस्किट आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। लेकिन उस बिस्किट को बनाने में जो आटा, मैदा, ठीक है, तेल, शक्कर, पानी, जो भी सारी चीजें लगी है, वो सब क्या रहेगा, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आए। अब आ जाओ जरा कहानी पे। कहानी क्या है, देखो, अक्षय कुमार जो थे, ठीक, देखो पॉइंट समझना अच्छे से, पॉइंट क्या है कि वाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। यहां मैंने आपको क्या बताया कि जीडीपी कैलकुलेट करते समय आप इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन्हें कैलकुलेट नहीं करते हैं, उनका वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सवाल यह है कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू क्यों कैलकुलेट करना है, यह सवाल है। अब आसानी से समझो, देखो क्या हो रहा है, कहानी हमारी कुछ ऐसे चालू होती कि अक्षय कुमार जो है, ठीक है, तो अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी है। अब आपको पता है खतरों के खिलाड़ी हैं, तो शौक है उन्हें खतरे लेने का मोल, तो वो खतरे लेने के लिए क्या करते हैं, खतरे मोल लेने के लिए वो एक तरह से जंगल में जाते हैं। जंगल में क्यों जाते हैं, जंगल में जाते हैं एलोवेरा तोड़ के लाते हैं, वहां से एलोवेरा तोड़ के लाए उन्होंने। अब एलोवेरा तोड़ के लाए, अब ये एलोवेरा को क्या करेंगे, एक्टर भी है खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ, तो पहले तो कुछ अपने चेहरे पर खुद लगा लिया उन्होंने, ग्लो आ गया। फिर दूसरी चीज क्या है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबा रामदेव को ये एलोवेरा दे दिया। अब बाबा रामदेव को एलोवेरा ये दिया, तो बाबा रामदेव क्या करेंगे एलोवेरा का, बाबा रामदेव जो है तो ये एलोवेरा से एलोवेरा जेल बनाएंगे, ठीक है, एलोवेरा जेल बना के बॉटल में पैक करेंगे, पैक करके क्या करेंगे, फिर ये बेच देंगे। अब बाबा रामदेव जगह जगह जाके थोड़े ना लोगों को बेचेंगे, तो क्या होते हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिया है, अब होलसेलर्स उनसे खरीद लेंगे प्रोडक्ट, होलसेलर्स उनसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और होलसेलर्स हमें रिटेलर्स को बेच देंगे। तो जैसे कि चंदू सेठ थे, तो चंदू सेठ क्या करेंगे, बाबा रामदेव से खरीद के लाया प्रोडक्ट, और ये फिर क्या करेंगे, ये हमें बेच देंगे। आगे समझे, इतनी कहानी समझ में आई आपको, तो अब आ जाओ जरा यहाँ पे। तो ए से हमारे अक्षय कुमार, ठीक है, ए से हमारे अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी, ये जाते कहां, जंगल में, जंगल में गए। अब जंगल में जाने के बाद में उन्होंने वहां पे क्या किया, एलोवेरा तोड़ दिए। एलोवेरा तोड़ने के बाद में एलोवेरा ले लिए, तो मान लो उन्होंने एलोवेरा तोड़ के लिया है, वो तो सब कुछ नेचर से ऑब्टेन किया, प्राइमरी सेक्टर, तो एलोवेरा कहां प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां जैसे अगर आप देखोगे, तो उन्होंने एलोवेरा जो तोड़ के लाए थे जंगल में से खतरों के खिलाड़ी ने, तो वो क्या कर दिया, उन्होंने 20 रुपए में किसको बेच दिया, उन्होंने 20 रुपए में बेच दिया, 20 है बाबा रामदेव को, ठीक है,
बी से बाबा रामदेव को भेज दिया, तो बाबा रामदेव ने क्या करा, एलोवेरा जेल जो है तो एलोवेरा जेल के 20 रुपए किसको दे दिए, अक्षय कुमार को, मतलब एलोवेरा के 20 रुपए दे दिए अक्षय कुमार को, और उन्होंने एलोवेरा अपने पास लगा लिए, रख लिया, कुछ उन्होंने भी लगाया होगा। फिर क्या करेंगे वो, फिर आगे जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो अब वो क्या करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के बाद में वो एलोवेरा से एलोवेरा जेल बना लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, सी से जो मैंने आपको बताया था, जैसे अक्षय कुमार ने एलोवेरा लाए, एलोवेरा ला के बाबा रामदेव को दिया, बाबा रामदेव ने क्या किया, चंदू सेठ जो थे, तो चंदू सेठ जो है तो उन्होंने बाबा रामदेव से 50 रुपए में एलोवेरा ले लिया, ठीक है। अब चंदू सेठ क्या करेंगे एलोवेरा का, वो रिटेलर है, देखो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, अब क्या है ट्रेडर्स जो है तो वो क्या करें टर्शियरी सेक्टर में आ गए ना, ट्रेडर्स क्या करते हैं इससे लिया उसको दिया, तो उन्होंने क्या करा, चंदू सेठ ने 50 रुपए में एलोवेरा किससे ले लिया, बाबा रामदेव से ले लिया, आप उस पर एमआरपी डली थी 100 रुपए, तो जब आप क्या करेंगे, जब जैसे अगर आप देखोगे तो आप जब प्रोडक्ट लेने आप पहुंचोगे दुकान पे, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, तो यहां पे कंज्यूमर या फिर कस्टमर, जो कष्टों से मर जाए वो कस्टमर, ठीक है, तो यहां पे अब क्या होगा, कस्टमर जब लेने जाएगा तो कस्टमर को कितने रुपए में मिला, 100 रुपए में मिला, समझ आया, कस्टमर को कितने रुपए में मिला, 100 रुपए में मिला, और आप फिर क्या होते हैं 100 रुपए में खरीद के ले आते हो अपने मुस्कुराते हुए कि हाँ चलो 100 रुपए मिल गया, तो अब वो क्या, आप घर लाके क्या करोगे उसका एलोवेरा जेल का, आप भी लगाओगे अपने चेहरे पे, समझना है, तो एलोवेरा जेल यहाँ पे कस्टमर ने लेके आ गया, और कस्टमर ने क्या कर लिया, कस्टमर ने खुद एलोवेरा जेल अपने पास रख लिया कि अब वो यूज करेगा उसको। अब जब कस्टमर खुद यूज कर रहा है, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि कस्टमर ने भी क्या है ब्लैक मार्केटिंग कर दी, 120 में किसी को बेच दिया, उसने अपने यूज के लिए लाया, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो हम जीडीपी में क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जीडीपी में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। अब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज कहां कहां आए, तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स में एलोवेरा जो था वो क्या था, ये 100 रुपए के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, एलोवेरा जेल को बनाने के लिए वो एलोवेरा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग करी पूरी, प्लास्टिक सब लगाया, ठीक है, तो प्लास्टिक की भी कीमत रही होगी, प्लास्टिक के पैकेट में मतलब पाउच में बंद करना है वो सब कुछ, ठीक है, तो उसकी भी कीमत रही होगी, लेकिन वो जो कीमत थी तो वो क्या है, बाबा रामदेव ने अपना 10 रुपए अगर उसमें इन्वेस्ट किया था, 20 रुपए अक्षय कुमार को दिए थे, तो 30 रुपए का बाबा रामदेव का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उन्होंने क्या किया उसको 50 में बेचा और 20 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि 100 रुपए का जो आपको फाइनल प्राइस दिख रहा है ना, उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएटरीज थे उनका कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उनका पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप अगर आप देखोगे तो आप अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चालू करोगे कि जीडीपी हमें पता करना है, तो जीडीपी पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फाइनल गुड्स, मतलब जीडीपी पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो आप बोल देंगे कि प्राइमरी सेक्टर का 20 रुपए, सेकेंडरी सेक्टर का 50 रुपए, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में कितना आया 100 रुपए, तो हमारी जीडीपी जो है तो जीडीपी में कितना हो गया, फिर आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे 170 रुपए। तो क्या जीडीपी में 170 रुपए आपको ऐसे दिख रहा है कि प्राइमरी में 20 का प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी में 50 का प्रोड्यूस हुआ, टर्शरी में 100 का प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अब अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो 170 दिख रहा है, 170 दिख रहा है प्राइस, ठीक है, लेकिन आपने कितना पैसा दिया 100 रुपए। तो जीडीपी के अंदर ट्रांजेक्शन जो हुआ, जो वैल्यू क्रिएट हुई है, जिसके लिए कस्टमर ने पे किया है, कष्ट भरते हुए पे किया है, ठीक है, तो वो तो 100 रुपया ही पे किया है, लेकिन यहां तो 170 दिख रहा है। 170 क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो कि जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है और आप उसी को डबल इंक्लूड कर रहे हो, डबल कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहां पे ध्यान रखना होगा कि वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, ये प्रिकॉशन ध्यान रखना होगा कि जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स के वैल्यू को ही ऐड करते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है वो फाइनल प्रोडक्ट के गुड्स के अंदर उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो मतलब जो आप 100 रुपए दे रहे हो तो 100 रुपए पूरा का पूरा चंदू सेठ के पास नहीं गया है, क्यों, क्योंकि चंदू सेठ ने 100 रुपए लिया है तो 100 में से 50 अपने जेब में रखा होगा, 50 उसका प्रॉफिट था, लेकिन 50 रुपए वो जहां से खरीद के लाया था उसने वहां दिए पैसे बाबा रामदेव को, तो बाबा रामदेव ने भी 50 रुपए पूरे अपनी जेब में नहीं रखे होंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें एलोवेरा जेल बनाने के लिए एलोवेरा लगेगा, वो एलोवेरा के पैसे उन्होंने अक्षय कुमार को दिए होंगे। समझ आ रही है कहानी, तो इस तरह से एबीसी वाली ये जो कहानी है, ठीक है, ये मैंने आपको तीनों सेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझाना था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर की जो प्रोड्यूसर है पूरी वैल्यू को, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके यहां जोड़ दो, आप क्या करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते समय सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब के लिए जो पे किया एलोवेरा जेल के लिए, तो आप एलोवेरा जेल लेके आ गए,
बढ़िया लगाया आपने आपके चेहरे पे और घूम रहे हो उस तरह से, अगर नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बहुत खूबसूरत हो, समझ आया, आपको जरूरत नहीं किसी चीज की। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो इतनी चीजें सबको समझ में आई क्या, कि प्रिकॉशन क्या लेना होगा, हर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कैलकुलेट नहीं करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करना है, कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट सर्विसेज जो होती है, गुड्स जो होते हैं, तो द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट टू इंक्लूड और कैलकुलेट बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी इन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू, समझ में आ गया पूरी कहानी, चार्ट समझ में आ गया ये, ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, जब आप इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यू को एड करोगे, तो आपको जीडीपी मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक साल में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अब वो फाइनल, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि गेहूं जो है, तो गेहूं को आप डायरेक्ट खाने के परस्पेक्टिव से, मतलब आपने गेहूं का 2000 रुपए दे दिया, 2000 रुपए क्विंटल, और आपने रख लिया अपने पास, तो वो क्या है, अब उसका आगे इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, आप ऐसे तो नहीं ना घर में बैठ के फैक्ट्री चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम करने के लिए ले रहे हो, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया वो आपके लिए। और वही गेहूं जब कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले जाएगी, तो वो उस गेहूं की वैल्यू फिर कहां ऐड होगी, वो बिस्किट के पैकेट पे ऐड होगी, क्यों, क्योंकि वो बिस्किट बनाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो उस तरह से क्या होता है कि जो भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्शियरी हो, तो तीनों ही सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनके तीनों की आप क्या कर रहे हैं, जब वैल्यू को, टोटल प्रोडक्शन जो तीनों सेक्टर में हो उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हो, तो वो आपको उस साल के लिए क्या मिल जाती है, जीडीपी मिल जाती है, ठीक है। तो द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर गिव्स यू व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि यहां पे क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, व्हाई द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। तो आपको सिंपल सी चीजें, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, उस कॉन्टेक्स्ट में जो जो पूरी कहानी बताई है वैसे अपना आंसर फ्रेम करते जाना और लिखते जाना है, ठीक है। अक्षय कुमार वाली कहानी मत लिख के आना, क्योंकि वो एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, उसमें आप कहानी मतलब कुछ भी बिस्किट वाली ले सकते हैं, जैसे कि सपोज इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ बिस्किट, ठीक है, तो पैकेट, जो बिस्किट के पैकेट पे वैल्यू लिखी रहेगी वो फाइनल वैल्यू होगी, ना कि आप उसको बनाने के लिए जो गेहूं, जो तेल, जो शक्कर पानी का इस्तेमाल कर रहे हो वो, समझ में आ रहा है। तो दैट इज द स्टोरी। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो वो जीडीपी कहलाता है, समझ में आया। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, क्लियर। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको, एक एक लेयर उतारते जाना, तो आपको क्या हो जाएगा, बोलते ना इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ में आया। अब सवाल ये है कि सर ये तो समझ में आ गया हमें कि कैसे किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, कैसे आप क्वांटिटी को हटा के वैल्यू और वैल्यू में भी सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते, ये तो समझ में आ गया। नाउ इट इज अ मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, क्यों, क्योंकि आप जैसे देखोगे तो जीडीपी मेजर करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है, तारे गिनने जैसा है वो एक समय पे, क्यों, क्योंकि इतना सेक्टर, इतने सेक्टर में इतना प्रोडक्शन, तो अब उसमें आइडेंटिफाई करना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है या नहीं है वो, कि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, और इस तरह से क्या है, वो एक मैमथ टास्क, बहुत क्या है, क्या कहोगे, बहुत सिरदर्द वाला काम है। तो अब ये करता कौन है, तो दिस इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है, तो वो क्या करता है, वो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में कितना कहां किस सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है वो सब कुछ करता है, ठीक है। तो दिस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज collects information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. तो इस sense में क्या होता है, central government ministry जो है, तो अलग अलग ministry, union government, state government, ठीक है, उनसे data collect करती है और उस data के basis पे फिर क्या है, estimated GDP निकाली जाती है। तो इस तरह से GDP कैसे calculate करते हैं, कौन calculate करता है, क्या ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है, और आपने भी देख लिया तीनों सेक्टर्स जो हैं, तो तीनों सेक्टर्स को हम एक एक करके कंपेयर भी करते चलते हैं। तो आपने इतना तो पढ़ लिया, अब इतना पढ़ने के बाद में अब आपको एक सवाल जो आएगा आपके सामने कि क्या ये तीनों सेक्टर्स बराबर भागीदार हैं। देखो
जीडीपी में, मतलब आपको इकोनॉमी के एक एक सेक्टर आप समझ में आ रहे हैं ना, इकोनॉमी के एक सेक्टर में आपने पढ़ लिया अच्छा कैसे क्या गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते समय हम वैल्यू जब ऐड कर देंगे सबकी तो हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करना होगी, वो भी समझ में आ गया। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे ऐड किया जाएगा, ये सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अब कौन सा सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो जैसा हमेशा से परफॉर्म कर रहा था वैसे ही करता रहेगा या फिर कुछ चेंज देखने को मिला कि प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है घटा है, एम्प्लॉयमेंट किधर क्या है, वो भी सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपका देखो एक सब टॉपिक बुक में दिया गया है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो जो तीनों सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इन तीनों सेक्टर में आपको एक हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिलता है। क्या हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिलता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ये जो तीनों सेक्टर है, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस जो रहा है या फिर कह सकते हैं तीनों सेक्टर में जो लोगों का काम रहा है या फिर तीनों सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी में वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदला है, उनके रोल्स बदले हैं। जैसे आज से 30 साल पहले इंटरनेट जो था तो बहुत धीमा था, इंटरनेट हर जगह नहीं था, लेकिन आज कोई जगह नहीं बची जहां इंटरनेट ना हो, है ना। तो उस सेंस में क्या होता है कि विद टाइम अब इंटरनेट क्या सर्विस सेक्टर में आ गया, टर्शरी सेक्टर में, तो टर्शरी सेक्टर ग्रो कर गया नहीं कर गया बताओ, ठीक। तो वही केस यहां पे भी है कि प्राइमरी सेक्टर जो है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, इनिशियल स्टेज में कोई भी कंट्री जब ग्रो कर रहा होता है तो इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है, प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कब, जब इनिशियल स्टेज रहती है उस कंट्री के डेवलपमेंट की। सेकंड, लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होते जाता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, तो प्राइमरी सेक्टर में आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज, तो उन्होंने लोगों को ऐसा लगा कि हाँ पैसा भी आ गया, तो उन्होंने बोला कि अब अपने खेती कर ली, अपने पास पैसा आ गया, चलो अब क्या करते हैं, तो हम जो टमाटर प्रोड्यूस कर रहे थे टमाटर सब केचप बनाने की एक फैक्ट्री डाल लेते हैं छोटी सी, ठीक है, वो छोटी सी फैक्ट्री फिर बड़ी हो जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है, तो वही वाली चीज, शुरुआत हमें, हम जहां है जैसे हैं शुरुआत करना पड़ती है, बस छोटा हो बड़ा हो जो भी हो शुरुआत करना पड़ती है। तो उस तरह से प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी से फिर क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या जाएगा कि सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा कि सेकेंडरी सेक्टर में आपको देखने को मिलता है कि जब प्राइमरी सेक्टर से लोग जो है मूव करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, कुछ दूसरे एक्टिविटीज को टुकअप करते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो जो प्राइमरी सेक्टर में उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसी को मॉडिफाई करने लगे, वैल्यू एडिशन करने लगे। फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन बना रहे हो, तो कॉटन बना के बेचने से अच्छा है कि आप कॉटन का शर्ट बना दो, मतलब आप कॉटन बेचोगे तो आदमी ऐसा तो नहीं जगह जगह कॉटन लगा के घूमेगा रोड पे, वो क्या करेगा, वो कॉटन से शर्ट बनवाएगा या फिर बनाएगा। तो आप ही अगर उस कॉटन का क्या बना के दे दोगे, शर्ट बना के दे दोगे, तो आपने क्या कर दिया, प्राइमरी से आप सेकेंडरी की तरफ मूव कर गए ना, आपने कॉटन का क्या बना दिया, शर्ट बना दिया। तो वैसे ही क्या होता है कि विद टाइम हिस्ट्री में आप, हिस्ट्री आपको क्या सिखाती है, सिखाती है कि लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है। तो न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिलती है वहां पे, कमिंग अप एंड एक्सपेंडिंग ऑफ फैक्ट्रीज, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरह से जो इकोनॉमी ग्रो कर गई है आज, जैसे अमेरिका वगैरह आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज इनिशियली प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, एक फेज आता है जब सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करने लगता है, और फिर क्या होता है, तो अब जैसे पास्ट 100 ईयर्स में आप देखोगे तो इन द पास्ट 100 ईयर्स There have been further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. तो आज आप जैसे जो developed countries को देखोगे, western European countries को, USA को देखोगे, तो वहां पे क्या है, अब secondary sector से भी tertiary sector की तरफ shift चले गया है, ठीक है। The service sector has become the most important in terms of total production. ठीक है, total production की बात की जाए कि GDP अगर मान लो आपकी 100 रुपए की आपकी GDP है, तो 100 रुपए की GDP में 50 रुपए से ज्यादा कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कुछ देशों में टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, सब कुछ सर्विसेज के हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे शिफ्ट जो है टर्शियरी सेक्टर की तरफ आगे बढ़ गया। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में आप देखोगे सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये एक जनरल पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने को देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो हिस्टोरिकल चेंज जो है वो शिफ्ट जो है, तो इस तरह से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, इस तरह से देश दुनिया मूव करती है, इस तरह से इकोनॉमीज मूव करती है, समझ में आया। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो ये है, देखो तो देखा होगा ना आपने सेटमैक्स पे, सेटमैक्स जो है, तो सेटमैक्स इज नोन फॉर दिस मूवी सूर्यवंशम, तो सूर्यवंशम का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रहेगा। क्या देखते हो आप, शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, ठीक है, भेड़ बकरी चलाते थे, खेती करते थे, फिर क्या होता है, फिर वो धीरे से थोड़े दिन तक बस सुधारते सेकेंडरी सेक्टर में, फिर क्या है ग्रो कर जाते, तो फिर सर्विस सेक्टर, फिर अपनी बसेस चल रही होती है उनकी, समझ में आया। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का शिफ्ट जो हिस्टोरिकल चेंज जो इस कहानी के माध्यम से ध्यान रख सकते हो, समझ में आया।
आगे बढ़ते हैं, आप देखो तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। तो आपने क्या किया, आपने इन जनरल अभी तक जो चैप्टर पढ़ा, आ जाओ जरा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ऐसा कि कंसोलिडेट कर लेते हैं सारी चीजें कि आपका जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपने क्या देख लिया, इसमें आपने एक मतलब आपको बेसिकली तीन सेक्टर के बारे में समझना है। तीन सेक्टर यानी कि तीन क्लासिफिकेशन जो है, तो एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला, दूसरा आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वाला बता दूंगा मैं, और तीसरा जो बताऊंगा तो वो बताऊंगा पब्लिक वाला एंड प्राइवेट वाला। ठीक है, तीन कैटेगरी हम पढ़ेंगे। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है, तो इनका ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ओवरऑल पिक्चर आपको कैसे समझ में आ गई है कि ओवरऑल अच्छा प्राइमरी सेक्टर ये, सेकेंडरी सेक्टर ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के वैल्यू एडिशन से आपको जीडीपी के बारे में पता चलता है, हिस्टोरिकली ये सेक्टर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आ गई है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि अब ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इंडिया में क्या स्थिति रही है इसकी, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की इंडिया में क्या स्थिति रही है ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर ने कैसे मूव किया है, क्या शिफ्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सॉरी, अब देखो क्या है, तो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को देखो बस, यहां पे आपको दो तीन ग्राफ मिलेंगे, ये आगे वाले जो टॉपिक्स हैं, इन दोनों तीनों ग्राफ को बहुत अच्छे से देखते चलना, एक एक से समझते चलना। क्या देखा ग्राफ ने कि सर एक छोटा सा ग्राफ है, एक बड़ा सा ग्राफ है, फिर आपने आगे लिख दिया एनालाइज, अब आपने लिख दिया तो आप ही बता दो। चलो मैं बताता हूं एनालाइज को क्या देखना है यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब देखो, अब जैसे अगर आप देखोगे, और एक और चीज, अब क्या रहा है, जो डेटा दिया है ना, तो डेटा बुक टू बुक वेरी कर सकता है, किसी के पास नई एनसीईआरटी, किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी, लेकिन जो पैटर्न है पैटर्न ऐसे ही रहेगा। तो डेटा को देख के ज्यादा घबराना मत, आप पैटर्न समझो बस। ठीक है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी के एडिशन होंगे तो उस हिसाब से वो अपडेट हो जाएगा, बाकी पैटर्न समझो। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहने वाला है। पैटर्न क्या है, क्योंकि वो तो पास्ट चले गए ना, हिस्ट्री। तो अब क्या है, यहां पर ग्राफ वन क्या बता रहा है कि जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, फाइन, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर प्राइमरी है, ठीक है, रेड कलर सेकेंडरी है, और ग्रीन कलर टर्शियरी है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें 1973-74 में, तब जो जीडीपी थी, तो जीडीपी भी छोटी थी पहली बात तो। ठीक है, जीडीपी भी हमारी छोटी थी। अब जीडीपी छोटी थी, उसी के साथ साथ क्या है कि उस छोटी सी जीडीपी में बड़ा, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिख रहा था वो किसका दिख रहा था, प्राइमरी सेक्टर का, ब्लू कलर का दिख रहा था, फिर सेकेंडरी का, प्राइमरी हो गया, फिर टर्शरी, और फिर बीच में सेकेंडरी था, उसका सबसे कम था। अब 2013-14 के डेटा के हिसाब से, किसी के बुक में 17-18 दिया होगा, वो जो भी डेटा दिया हो, लेकिन पैटर्न देखो। अब क्या हो रहा है कि जब आप समय बीत गया, हिस्ट्री आगे बढ़ गई थोड़ी सी, तो अब आपको क्या देखने को मिलता है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले की अपेक्षाकृत बड़ा है। पहले टोटल जीडीपी ही जितनी बड़ी थी, अब उस जीडीपी में उतना ही वैल्यू एडिशन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का हो रहा है ना। लेकिन लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करोगे किससे, टर्शियरी से, ठीक है, और सेकेंडरी से, तो पहले जिनका कंट्रीब्यूशन कम था सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का, अब क्या है, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। ठीक है, और इतना बढ़ गया है कि वो प्राइमरी से ज्यादा बढ़ गया है। समझ पा रहे हो ग्राफ को, तो ग्राफ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पे। तो आपको यहां पे जो चीज बताना है, मतलब समझना है, और जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या है कि आपको एक शिफ्ट देखने को मिला है। क्या शिफ्ट देखने को मिला है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो चेंज हुआ है। पहले प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, अब टर्शियरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कुछ कुछ ध्यान आ रहा है, अभी पढ़ा था हमने क्या हिस्टोरिकल शिफ्ट की जो बात करें, हिस्टोरिकल चेंज की, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी विथ टाइम क्या होता है, जैसे जैसे कंट्रीज ग्रो करती है, सिविलाइजेशंस ग्रो करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में इनिशियल स्टेज में लोग ज्यादा एंगेज रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी, ये सेक्टर्स ग्रो कर जाते हैं, और वही पैटर्न आपको यहां देखने को मिल रहा है देखने को। तो वही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, आप क्वेश्चन समझ में आया, What are the reasons behind the rising importance of the tertiary sector in production? Production में या फिर कह सकते हैं GDP में जो value add हो रही है, तो उस value addition में tertiary sector का share बढ़ने के पीछे क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है? ये सवाल है। अब सवाल समझ में आया? और यह सवाल आता है आपके स्कूल में 4 नंबर 5 नंबर में, उस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल फॉर श्योर आएगा। क्या कि what are the reasons behind the rising importance of tertiary sector in production? Tertiary sector के
ग्रो करने के पीछे किसका हाथ है, ठीक है, नया पता लगाना पड़ेगा ये। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से जब सीआईडी लगी पीछे वो पता लगाया गया कि क्यों टर्शियरी सेक्टर इतनी तेजी से ग्रो कर गया, तो वो आपको क्या रीजंस लिखना है उसमें वो समझो। देखो एक दो तीन चार कारण मैंने आपको यहाँ पे दिए, चार कारण दिए, तो चारों कारण को इंट्रोडक्शन आप देंगे कि द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या है पहला पॉइंट, कि सम सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, जैसे क्या हो गया, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। तो अब ये सारी सर्विसेज जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखी है, ये सारी सर्विसेज क्या है पता है, ये सारी सर्विसेज बहुत बेसिक सर्विसेज है, ठीक है, ये सारी सर्विसेज बहुत बेसिक सर्विसेज है। और अब बेसिक सर्विसेज है तो इसके चलते क्या मतलब अगला सवाल ये आएगा कि बेसिक सर्विसेज है और सर्विसेज है इस कारण सर्विस सेक्टर में आ रही है, टर्शियरी सेक्टर में आ रही है, तो आप इनसे भाग नहीं सकते हो। जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब देश बढ़ेगा, जब समय आगे बढ़ेगा, तो डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सरकार को ये सर्विसेज प्रोवाइड करना ही पड़ेगी। अब सरकार जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, डिफेंस हो गया, तो डिफेंस में क्या होगा, प्रोडक्शन हथियारों का बढ़ेगा, तो वो क्या देखने को मिलेगा कि ऑटोमेटिकली जब जनसंख्या बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो सर्विसेज भी आगे बढ़ेंगी, और जब सर्विसेज आगे बढ़ेंगी तो वो प्रोडक्शन आपको कहां बढ़ता दिखेगा, टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन आपको बढ़ता देखने को मिलेगा। तो एक कारण कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, सो दिस इज द रीजन, समझे, एक रीजन ये समझ में आया। फिर क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। क्या हो रहा है यहां पे, यहां देखो कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ किसका, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। प्राइमरी में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है उसका प्रोडक्शन, वो जो प्रोडक्शन हुआ तो उसको मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, तो दिखती बात है कि जब दोनों सेक्टर में काम बहुत भयंकर चलेगा तो दोनों सेक्टर को जोड़ने वाला कौन है, टर्शियरी सेक्टर, तो वो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, उसकी फैसिलिटी बढ़ना तय है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो लेजेंड मीम, ठीक है, ये लेजेंड मीम जो है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा, अगेन ठीक है, मैं इस पर कॉपीराइट क्लेम ले सकता हूं क्योंकि आई हैव जस्ट क्राफ्टेड दिस सो दैट यू कैन गेट द एसेंस। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ेगा तो तय है कि टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ेगा, क्यों तय है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी को फैसिलिटेट कौन कर रहा है, अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी में ग्रोथ होगी ही नहीं होगी, ठीक है। तो उस तरह से आपको यहां से सिंपल सी चीज इतनी समझना है कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो होगा तो टर्शियरी अपने आप ग्रो होगा ही होगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहां वो ये कि दी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज, ठीक है, तो वो हो गया। अब उसके बाद में तीसरा कारण क्या है, कि तीसरा कारण क्या है जिससे इंपॉर्टेंस बढ़ रही है टर्शियरी सेक्टर की, तो तीसरा कारण ये लिखा है, क्या लिखा है, कि एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। अब जब जैसे जैसे लोगों का क्या होता है, इनकम बढ़ता है ना, तो इनकम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा सर्विसेज डिमांड करने लगते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या है, पहले लोग बाहर खाना ही पसंद नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहता था, वो सोचते कि बाहर पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा ये कि हम घर में बैठ के खा लेते हैं। एक अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं, घर में बैठ के खा लेते हैं, या फिर घर में बाहर से कुछ सामान ले आते हैं, हम घर में बनवा लेंगे, ठीक है, पहले वो मानसिकता रहती थी। लेकिन अब क्या है, लोगों के पास जैसे आप देखेंगे तो इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी, तो अब लोगों ने क्या है, लोगों ने इनकम बढ़ी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो अब वो क्या है, बाहर जाना कि वीकेंड्स पे बाहर जाके खाएंगे, ठीक है, वो चालू हो गया। अब लोगों की और इनकम बढ़ गई तो उन्होंने क्या बोला कि बाहर कौन जाएगा, ट्रैफिक है, तो हम तो क्या करते, किसी को पैसे दे देंगे, कोई हमारे घर डिलीवरी दे जाए, तो फिर क्या हो रहा है, ऐसे ही इसी चीज पे बिजनेस बना लिया जोमेटो ने और स्विगी ने, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, तो पीपल गो फॉर मोर एंड मोर सर्विसेज। अच्छा एग्जांपल है ये भी कि पहले ऐसा था कि घर के काम कौन करेंगे, घर की जो महिलाएं रहती थी वो कर लेती थी, लेकिन अब क्या हो गया, इनकम बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि यार हस्बैंड सोचता वाइफ के बारे में कि थोड़ा आराम करवा देता हूं उसको, तो क्या करते हैं, मेड रख लेते हैं घर में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है कि वो मेड की सर्विसेज को ऑफर कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये वही कहानी बताएगी, विथ द डेवलपमेंट ऑफ ये वाला, एज द इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। सिंपल सा एग्जांपल जिम का ले लो ना, क्या है कि जिम में अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप जाओगे, लोगों को देखोगे कि उसका ट्रेनर क्या सिखा रहा है उसको, उसने जैसा सिखाया हम भी वैसे क्या करने लगते हैं, हम भी उस तरह से एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। लेकिन अब जब इंसान के पास पैसा होता है तो बोलता क्या है, प्राइवेट ट्रेनर चाहिए मुझे एक, ठीक है, जो मेरे पास खड़े रहे और मुझे बताते रहिए कैसे एक्सरसाइज करना है, समझ में आ रहा है। तो विथ द इंक्रीज इन इनकम, लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो फॉर श्योर वो
दे विल मूव टुवर्ड्स मोर एंड मोर सर्विसेज, और सर्विसेज के जब वो कंजम्पशन करेंगे तो सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, यहां टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा। तीसरा कारण आया समझ में। चौथा कारण देखो क्या है, चौथा कारण यह है कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। क्या हो रहा है आपको यहां पे वो समझना होगा कि विद टाइम आपको ये देखने को मिलता है क्या कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज नई सर्विसेज का इमर्ज होना आपको होते देखने को मिल रही है आपको कि जिन्होंने पूरा मार्केट ही डिसरप्ट कर दिया, पूरा मार्केट चेंज कर दिया है। क्या? तो जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंटरनेट के इंटरनेट पर बेस्ड सर्विसेज जो है, तो आज आप देखेंगे आज हमारी जीडीपी में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या है सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है, जो इंटरनेट पर बेस्ड है, जो प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है और करोड़ों रुपए का उनका वैल्यूएशन है, करोड़ों रुपए का उनका वैल्यूएशन है। तो ये वही चीज यहाँ पे है क्या कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज such as those based on information and communication technology have become important and essential. So, information communication par based jo technology matlab services hain wo important ho gayi hai aur the production of these services has been rising rapidly. Aur isi ke chalte kya hai ki jo nayi services aayi hai jaise IT sector ka maine aapko ek example diya, to nayi services ke aane se kya hai ki nayi services ke aane se boom aaya hai aur us un nayi service sector mein jo produce ho raha hai to us production ke chalte aapko kya dekhne ko milta hai, उस उन सर्विसेज के प्रोडक्शन के चलते आपको देखने को मिलता है कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। अगेन अब आ जाओ जरा रिकॉल करते हैं, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो टर्शियरी सेक्टर के ग्रो करने के पीछे का कारण सबसे पहला है कि कुछ सर्विसेज बेसिक सर्विसेज होती है जो सरकार को देना ही पड़ती है। दूसरा यह है कि आपने क्या देख लिया, जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो यह तय है क्या कि सर्विस सेक्टर ग्रो करना ही करना है, दोनों को फैसिलिटेट करता है। तीसरा, विद द राइज इन इनकम लेवल पीपल सीक और ask for more services, और चौथा यह है कि new services का emerge हो जाना, वो certain new services जो emerge हुई है तो उसने क्या किया है tertiary sector के production में boost दिया है। समझ में आया? So this was the story, this was the मतलब these are the points which prove why tertiary sector is rising. अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगी कि services बहुत सारी होती है, कोई हाथ ठेला धक्का के ले जा रहा है वो भी service provide कर रहा है, और कोई क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के एक तरह से आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक सर्विस दे रहा है, लेकिन दोनों में ग्रोथ जो है वो बहुत क्या है अनइवन है। ठीक है, कैसे? हाथ ठेला धकाने वाला दिन भर काम करता है लेकिन फिर भी उसको उतना पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता कि वो अपने घर के दो वक्त के खाने का इंतजाम कर सके, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन वो इंसान जो एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो यहां पे ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सर्विस सेक्टर तो ग्रो करा है लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर आप जैसे देखोगे तो देयर आर डिस्पैरिटीज इन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के अंदर डिस्पैरिटी की सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया लेकिन सर्विस सेक्टर जिस तरह से ग्रो किया तो उसके अंदर डिस्पैरिटी है कि कुछ सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर गए, कुछ सर्विस सेक्टर जो है कुछ सर्विसेज जो उतनी ग्रो नहीं कर रही है, कुछ सर्विसेज में आज भी क्या लोग बेरोजगार है और या फिर कुछ सर्विसेज में पैसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? तो वो कहानी आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये वही है, प्राइमरी सेकेंडरी को करेगा, टर्शियरी ग्रो करेगा ही करेगा। अब हम अलग जोन में जा रहे हैं, तो बांध के रखना सारे टॉपिक्स को। आपने जीडीपी के बारे में समझ लिया, इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में क्या स्थिति है सर्विस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में, वो सब कुछ समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वेयर आर दी मोस्ट ऑफ दी पीपल एम्प्लॉयड। अब यहां पे फिर आपको एक बार थोड़ा सा क्या हो जाएगा अचंबा होगा, आप फिर यहां पे एक बार सोचने के लिए मजबूर होंगे। क्या सोचने के लिए मजबूर होंगे? देखो सवाल ये है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो जैसे अगर आप देखोगे शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है, शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी, तो डिफरेंट सेक्टर्स जो था उनका जीडीपी में अगर शेयर की बात की जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो पुराने समय में मतलब जैसे 73-74 की बात करते हैं तब क्या होता था, प्राइमरी सेक्टर जो है तो वो लगभग 40% तक शेयर कंट्रीब्यूट करता था, सेकेंडरी सेक्टर का 10-20% था और टर्शियरी सेक्टर का शेयर जो था, टर्शियरी सेक्टर का शेयर भी मतलब कह सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर के कंपटीशन में था लेकिन उससे कम ही था। ठीक है, ये हो गया, ये 73-74 की बात हो गई। लेकिन 2013-14 में आप देखोगे ना, 2013-14 में पूरी जीडीपी, अगर ये जीडीपी का पाई है पूरा, तो इस पूरी जीडीपी का पाई का एक छोटा ही हिस्सा जो है, ठीक है, 10% और 12%, एक छोटा हिस्सा ही सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के पास है और प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा बड़ा हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर के पास है, बाकी बड़ा हिस्सा जो है तो बड़ा हिस्सा किसके पास है, टर्शियरी सेक्टर के पास है। किस टर्म्स में? कि टोटल जीडीपी जो है हमारी, तो टोटल जीडीपी में आज की स्थिति में
कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, दिखती बात है आपको बोल दो कि सर टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रीन कलर टर्शरी के लिए, ठीक है, रेड कलर सेकेंडरी के लिए और ये ब्लू कलर प्राइमरी के लिए। तो आज आप क्या बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हो कि हाँ सर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कोई कर रहा है, कंट्रीब्यूट कोई कर रहा है जीडीपी में, तो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये तो आपको पिछले वाली स्लाइड में समझ में आ गया था, फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? अब सवाल पे आओ जरा। सवाल ये है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब ये बताओ मुझे कि लोग कहां एम्प्लॉयड है, लेकिन जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है तो एक अमूमन इंसान क्या बोल देगा कि जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है तो लोग टर्शरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे होंगे, है ना? आप ये बोल सकते हो कि लोग काम भी टर्शरी सेक्टर में ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट क्या हो रहा है कि सबसे कम लोग जो है वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या है कि टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड दिस माइट सरप्राइज यू, क्या कि ऐसा कैसे हो गया कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर का, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर में वो सबसे कम, ऐसा कैसे हो गया? चलो तो अब इसी को समझते हैं। आया ना समझ में? अब ये ग्राफ से अगर कंपेयर करोगे ग्राफ 3 से तो आपको समझ में आएगा, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। तो पहले प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, मतलब प्राइमरी सेक्टर में लोगों का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, तो हम बोलते थे कि हाँ चलेगा, क्यों? क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका था। लेकिन आज के समय में आप देखोगे तो जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बदला। आज भी लार्जेस्ट सेक्टर में, मतलब लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बजाय उसके कि उसका कंट्रीब्यूशन कम रहा। ठीक है, और जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर का, तो सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, लेकिन उसमें लोग सबसे कम काम कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि डिस्पैरिटी, ये जो आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये डिफरेंसेस क्यों है? दिस इज द पॉइंट, ये डिफरेंसेस क्यों है, दिस इज द पॉइंट। अब इसे एनालाइज करो, तो द शिफ्ट इन जीडीपी इज नॉट सेम टू द शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट, एंड क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस सो। तो ये शिफ्ट जो सेम नहीं है, तो ये शिफ्ट सेम क्यों नहीं है? ठीक है, ये शिफ्ट जो है सेम क्यों नहीं है, वाई? तो अब मैं आपको वो समझाता हूं। देखो, तो पॉइंट समझ में आएगा ना, क्वेश्चन यहां तक, मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा वो मैं आपको बताते चल रहा हूं, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आपको ये समझ में आए कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। अब कहानी हमें यहां की पढ़ना है कि ये डिस्पैरिटी, ये डिफरेंसेस क्यों है। तो वाई देयर हैज बीन नो शिफ्ट इन द शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट एज इट हैज बीन शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, कि जो शिफ्ट का, मतलब जो आपको शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक वैसा ही शिफ्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? तो उसके पीछे के कारण जो है मल्टीपल हो सकते हैं। देखो, दोनों चश्मे से देखो कि प्राइमरी सेक्टर में शायद लोग जो काम कर रहे हैं आज भी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दे रहे, तो वो काम कर क्या रहे हैं, ये सवाल उठेगा। ठीक है, मतलब दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट शब्द यहां पे निकल के आया नया, वो आपको सीखने को मिलेगा। समझ में आया ना? कारण ये हो सकता है कि अब जब लोग सबसे ज्यादा आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है नहीं जीडीपी में उतना, तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये है कि अब वो या तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, अंडर एम्प्लॉयड है। तो अंडर एम्प्लॉयड क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखो, इट इज बिकॉज, और एक और चीज, इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन जरूर बढ़ गया टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जरूर बढ़ गया, लेकिन ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है ना, तो इसमें कुछ ही लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया है जो मैंने आपको बताया, और उस कारण से उसका जीडीपी में शेयर तो बड़ा दिखता है, लेकिन उतना जॉब जनरेट नहीं हुआ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। नो डाउट पहले की अपेक्षा ज्यादा जनरेट हुआ है, लेकिन जो शेयर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी एंड इन टर्म्स ऑफ शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, उसमें डिस्पैरिटी है। और उसका एक कारण यही है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप। तो प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है सेकेंडरी का भी टर्शरी का, ठीक है, तो इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड द 3 times, तो प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ा, लेकिन जो रोजगार मिलना चाहिए था वो तीन गुना ही बढ़ा। तो अगेन ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि पहली चीज तो ये क्या है कि जो शिफ्ट आपको जीडीपी में देखने को मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी में देखने को मिल रहा है, तो उसके वैसा ही आपको एम्प्लॉयमेंट में इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जॉब क्रिएट हुई ही नहीं। ठीक है, तो वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 times,
एम्प्लॉयमेंट इन दी सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 times. अब अगर टर्शरी सेक्टर की बात करो तो सेकेंडरी और टर्शरी दोनों के केस में ही वो कहानी है. देखो इधर इतना था, इधर बढ़ गया, 11 से 25 हो गया, 18 से 13 हो गया. तो दोनों ही जगह क्या हुआ है, दोनों ही जगह आप जिस देखोगे तो प्रोडक्शन मतलब एम्प्लॉयमेंट का शेयर ऐसा बढ़ा है, लेकिन नॉट विथ रेफरेंस टू दी शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, उस कंटेक्स्ट में नहीं बढ़ा है, उस कंटेक्स्ट में नहीं बढ़ा है. ठीक है, तो अब ये तो आपने बता दिया, एक तो क्या कि प्राइमरी और एक तो सेकेंडरी और टर्शरी में कमी रह गई, और दूसरी चीज जो है कि पीपल इन दी प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड और डिस्टिंग्विश्ड नहीं है. ठीक है, डिस्गाइज्ड तरीके से. ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही चीज है. ये पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि क्या होता है जब चैप्टर आफ्टर सब पढ़ लेते, जब एग्जाम आते तब बच्चे पूछते हैं सर वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है. तो दोनों एक ही है बस, मतलब जैसे किसी का नाम घर पे चिंटू और स्कूल में कुछ और होता है ना, तो उस टाइप से वैसे वाला. ठीक है, तो पीपल इन दी प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो देखने को मिलता है आपको. तो ये क्या है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लक्ष्मी का. अब लक्ष्मी की कहानी क्या है, देखो तो लक्ष्मी जो एक किसान है, लक्ष्मी किसान है, अपने खेत पे काम करती है. स्टोरीज वगैरह पढ़ लेना आप. तो अब लक्ष्मी क्या है, किसान है, खेत पे काम करती है. अब वो काम करती है उनके साथ उनके फैमिली मेंबर भी काम करते हैं. तो अब क्या है कि इतने सारे लोग मिलके एक खेत में काम कर रहे हैं, देखने वाले को क्या दिखेगा पता है, देखने वाले को ये दिखेगा कि सब काम कर रहे हैं. हम उन्हें बेरोजगार नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सब काम कर रहे हैं. लेकिन अगर आप लक्ष्मी के फैमिली मेंबर्स को वहां से हटा भी लोगे ना, तो एक दो लोग भी काम संभाल सकते थे. ठीक है, एक दो लोग भी काम संभाल सकते थे, और वो जो एक दो लोगों को आप हटाया है बाहर, तो एक दो लोग जिन्हें आप हटाओगे बाहर ले जाओगे, तो वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग कोई दूसरा काम कर सकते थे, वहां से 4 पैसा ज्यादा कमा सकते थे. लेकिन अब वो कह रहा है कि वो सभी लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं. अब जब सभी लोग उसी खेत में काम कर रहे तो दिख तो रहे काम करते हुए, बट आर दे वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल, क्या वो अपनी फुल पोटेंशियल तक काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि वो अंडर एम्प्लॉयड है. समझ में आया, इसका मतलब ये है कि वो अंडर एम्प्लॉयड है. तो पीपल इन प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, या फिर वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट जो आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर दिस इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब. ठीक है, तो यहां थोड़ा सा करेक्ट करना, दिस इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट विच इज हिडन. ठीक है, विच इज हिडन इन, विच इज हिडन इन कंट्रास्ट, विच इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अंडर एम्प्लॉयड. तो जो बेरोजगार है वो तो आपको दिख ही रहा है कि बेरोजगार है, बैठा है और पबजी खेल रहा है. ठीक है, लेकिन यहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट छुपा हुआ है. क्यों, क्योंकि वहां पे देखने में तो इंसान काम कर रहा है, वो भी खेत पे जा रहा है. ठीक है, बट ही इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल. लेकिन अंडर एम्प्लॉयड इंसान जो रहता है तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है. अगर उसे आप कहीं और भी लगा दोगे तो विदाउट इफेक्टिंग दैट वर्किंग मतलब दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कहीं और से भी पैसा कमा सकता है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे ही चलती रहेगी. आगे समझ में, जैसे एक फैक्ट्री में अगर मान लो 4 ही वर्कर का काम है, लेकिन आपने 6 बिठा के रखे, तो अगर आप 2 हटा भी दोगे तो 4 भी उतना काम संभाल लेंगे, लेकिन 2 लोग जो थे तो वो क्या है, वो वेस्टेज ऑफ मैन पावर था. ठीक है, और इसी अंडर एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, कि पीपल आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड ऐसे दिख नहीं रहे, लेकिन दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. समझ में आया, वो कहानी रहती है. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर, अरे डिस्टिंग्विश्ड क्यों लिखा है हर जगह, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, ध्यान रखना, ये डिस्गाइज्ड है ये वाला. तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान करना, मैं नोट्स में चेंज करके दे दूंगा. तो फाउंड मेनी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मेनली आपको कहां देखने को मिलता है, मेनली आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर लक्ष्मी के एग्जांपल से बताया, वो स्टोरी पढ़ना. तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप एक फैमिली अगर 4 लोगों की है, तो 4 लोग क्या बोलते हैं कि हमारा खेत है, हम खेत पे काम कर रहे हैं. लेकिन 4 लोग की क्या वहां जरूरत है, खुद से पूछो, 4 लोगों की वहां पे रियलिटी में जरूरत नहीं होती है. तो वो वाला केस है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. वाई, तो उसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया. क्या बता दिया, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर लेबर इंटेंसिव तो होता है, और अननेसेसरली जैसे लोग वहां पे बैठे हैं काम, मतलब अननेसेसरली नहीं कहेंगे, लेकिन अब क्या है कि एक फैमिली है, तो एक फैमिली के पास जो खेत है, तो सभी ये चाहेंगे कि हम उस खेत में ही काम करें, क्योंकि अपना खेत है. ठीक है, और उसके साथ साथ ये सीजनल नेचर का भी काम होता है, कि अब क्या है, सोइंग कर दिया आपने, अब आपको हार्वेस्ट करना है, बीच बीच में जैसे क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करना है. लेकिन ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे वही बैठ के देखते रहना है कि पेड़ बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ लो. तो उस सेंस में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. दूसरे सेक्टर्स में कैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको वर्कर का बताया कि जब प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होता है, तो जहां 4 की जरूरत है वहां 6 लोग बैठे. ठीक है, तो क्या है,
छह के छह अपना पूरा काम नहीं कर रहे ढंग से, अगर आप दो हटा भी दोगे तो भी काम हो जाएगा, तो दूसरे सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल वर्कर्स, पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड अदर अदर डूइंग ऑड जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पेंटर्स प्लम्बर्स वगैरह हो गया, तो उनको जब काम मिला तब काम कर लिया, नहीं तो बाकी समय बैठे हैं, ठीक है, बाकी समय बैठे हैं। तो उस तरह से क्या है कि वो, अगर मान लो उन्हें कहीं प्रॉपर आप जैसे 8 आवर्स का वर्क दे दे रहे हो फिक्स्ड, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो ज्यादा क्लियर रहेगा, बजाय उसके क्या है कि उन्हें सिर्फ जब काम मिल रहा है उस समय काम दिया जाए, या फिर वो जब काम मिल रहा है तभी काम कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हर जगह देखने को मिल सकता है, जहां पे पीपल आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, तो क्या है कि पूरा दिन चला गया लेकिन उन्होंने कमाया बहुत कम, क्यों, क्योंकि पूरे दिन में उन्होंने काम ही कुछ समय के लिए किया या फिर कुछ ही समय के मिला। जैसे आप कह सकते हो यहाँ पे, अब क्या ऑटो ड्राइवर्स जो हो गए, तब उन्हें भी क्या है, ऑटो ड्राइवर जो है तो उन्हें अगर काम नहीं मिल रहा तो वो ऑटो में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, अब खैर उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दिस टाइप ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन वर्क्स वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, दिस टाइप ऑफ वर्क ऑल्सो कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट, समझ में आया, या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर हुआ। तो इस तरह से अब आप जरा रिकॉल करो, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो आपने देखा कि लोग ज्यादा एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन यहां पे एक सरप्राइज होने वाली बात है कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो है वो टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है। तो ऐसा क्यों, ये डिस्पैरिटी क्यों, तो डिस्पैरिटी के पीछे का कारण ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने जॉब क्रिएट नहीं करी, और साथ ही साथ जो प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयड या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां देखने को मिल सकती है आपको। तो वो पूरी कहानी पढ़ ली हम। अब सवाल ये आता है कि सर आप ही ने सिखाया कि समस्या में नहीं समाधान पे फोकस किया जाए, तो अब समस्या तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या निकाला जाए, ठीक है, हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द पॉइंट। यहां अच्छे से समझना क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हाउ कैन वी किल या फिर हाउ कैन वी रिमूव अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट सो दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन बी ओवरकम, ठीक है। तो उस तरह से सवाल जब कैसा भी बने तो सवाल का ध्यान रखना। लक्ष्मी के केस से हम आगे कहानी बढ़ाएंगे। लक्ष्मी का एग्जाम्पल आपने देखा कि उसकी फैमिली मेंबर जो है सब मिलकर उसी खेत में काम कर रहे हैं, जबकि उतने लोगों की वहां जरूरत नहीं है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो यहां देखो क्या है। तो नाउ ट्राई टू कनेक्ट विद द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी प्लस रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो लक्ष्मी की स्टोरी से ही आगे कंटिन्यू करते हैं और ये भी देखते हैं कि सरकार कितना एक अहम रोल प्ले कर सकती है इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में, ठीक है। तो देखो, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। अब लक्ष्मी के खेत में पानी नहीं था एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने लक्ष्मी को क्या दे दिया, पानी दे दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, तो अब काम बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले सूखा खेत रहता तो बस ऊपर से जो बारिश गिर जाएगी, इंद्रदेव की कृपा से जो पानी मिल गया उस पानी में खेती कर लेते थे। लेकिन अब आप जब एम्प्लॉयमेंट मतलब इरिगेशन दोगे तो इरिगेशन आएगा, तो अब पानी हाथ से फेरना पड़ेगा वहां पे, मतलब हाथ से फेरना ऐसे भर भर के नहीं ले जाओगे, लेकिन पाइप वगैरह ये वो स्प्रिंकल्स वगैरह जैसे भी, तो उसमें काम लगेगा। अब जब काम मिलेगा तो जो लोग अंडर एम्प्लॉयड थे उन्हें बोलेंगे कि चलो ठीक है, अब क्या है, अब काम है, अब तुम ऐसे एकदम बैठ के बस ढेले नहीं फेंकना है वहां पर मिट्टी के कि हम काम कर रहे हैं, अब आ जाओ काम करो। तो उस तरह से क्या होगा कि जब आप इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो इरिगेटिंग दी फील्ड्स एक काम बढ़ जाएगा। तो उस तरह से क्या है कि अगर आपको एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करो, क्वेश्चन बनता है तो आप लक्ष्मी के एग्जांपल से बता सकते हो कि इफ द इरिगेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, ठीक है, दिस विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट होगा कहां पे, और उसी के साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, नहर बना रहे हो, तो नहर बनाने के लिए क्या है, नहर बनाने के लिए खुदाई वगैरह का काम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसमें लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका हो सकता है, ठीक है, लोगों को कंस्ट्रक्शन में काम मिल रहा है, वो तो एक स्टोरी के हिसाब से बता रहे, और जो लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे उनको काम मिल गया। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। लक्ष्मी की कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं, क्या कि अब जब पानी मिल गया तो लक्ष्मी ने काम करवा लिया अपनी एक दो फैमिली मेंबर को, और ज्यादा काम मिल गया। अब क्या, जब पानी मिला, काम किया, मेहनत करिए तो फल तो मिलेगा, ये दर्शाती है प्रकृति। अब जब आपने मेहनत करी है तो उसका आपको फल क्या मिलेगा, कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि आपको वो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो कुछ स्टोर करके रखना होगा, या फिर ले जाने के लिए दूर मंडी पे बेचना होगा, तो आप सिर पे उठा के तो ले नहीं जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे आपको वो चीज समझना होगी कि अब जब इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो उसके चलते क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए, जिससे क्या होगा कि गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह किसान जो अपने बेच पाए, सामान को स्टोर कर पाए, तो उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज। यहां पे मैंने रोल ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए लिखा है। तो ये सब कुछ क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करके और बेहतरीन तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है
अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकती है, समझ रहे हो? तो वही चीज है यहाँ पे क्या, तो एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर एंड अदर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड। तो इस तरह से जो ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन में एम्प्लॉयड है उन लोगों को, किसानों को और क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा अगर आप इस तरह से क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट लोन। ठीक है, तो चीप मतलब क्या है, क्रेडिट के बाद में आना चाहिए था, चीप क्रेडिट या फिर लोन कह लो उसको। ठीक है, चीप क्रेडिट या फिर लोन कह लो। तो क्या होगा कि अब लक्ष्मी जो है, तो मतलब ऐसा है ना, लक्ष्मी के मन में क्या आ गया, लक्ष्मी मोह माया में फंस गई अब कि पानी मिल गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, हमने बेच भी दिया, अब बेच दिया तो सोच रही कि अब तो अपना प्रोडक्शन हो ही रहा है तो अब क्या करते हैं, थोड़ा लोन ले लेते हैं, तो जमीन वमीन और खरीद लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जब लोन दिया जाएगा ना, तो दिस लोन विल बी हेल्पफुल फॉर बाइंग इक्विपमेंट्स एंड स्टार्टिंग न्यू वर्क। तो लोगों को लोन मिलता है अगर, तो उससे एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जैसे बहुत सारे लोग होंगे, आप में से कुछ होंगे सोच रहे हो सर मुझे अगर फंडिंग मिल जाएगी ना तो मैं तो ऐसा बिजनेस चालू कर दूंगा। एक सोच रहे हो, अब आप फंडिंग पे क्यों बैठे हो, लोन लो, अगर आपको विश्वास है अपने बिजनेस आइडिया पे तो फिर क्या करो, लोन लेके काम करना चालू कर दो। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट एंड लोन, तो ये दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल और वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि आप यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे आपको देखने को मिलता है कि लोन जब अवेलेबल होगा तो जैसे लक्ष्मी के केस में हमने पढ़ा कि वो क्या करेगी, और ज्यादा इक्विपमेंट्स खरीद पाएगी और ज्यादा बेहतरीन तरह से क्या कर पाएगी, गुड्स एंड सर्विसेस मतलब जो है अफोर्ड कर पाएगी, तो उसके चलते क्या उसका काम चल पड़ेगा, उसके चलते उसका काम क्या होगा, चल पड़ेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, ये सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक और तरीका ये होगा लक्ष्मी के केस में, लक्ष्मी के केस में या फिर किसानों के केस में, जैसे अगर आप देखोगे तो किसानों ने क्या किया, पानी मिल गया, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ हो गया और उन्होंने नए काम भी स्टार्ट कर लिए। लेकिन वो किसान जब प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो वो प्रोड्यूस कहां तक सीमित है, वो प्रोड्यूस जैसे अगर आप देखोगे तो वो प्रोड्यूस उनके शहर तक सीमित था। वो प्रोड्यूस सिर्फ ऐसा था कि वो टमाटर उगाते थे, टमाटर ही बेच देते थे। वो क्या कर रहे हैं, जैसे चने की खेती करी तो चना बेच देते थे, चने की दाल नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो यहां पे अगर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके प्रमोट करके इंडस्ट्रीज को लोकेट करना स्टार्ट कर देगी। आलू की खेती कर रहे थे, अब आलू डाल के सोना तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हैं कि वो आलू की खेती कर रहे थे तो उन्हें क्या दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि आलू से चिप्स बनाओ, आलू से चिप्स बनाओ। तो जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज हो गई। तो इस तरह से क्या है कि इफ द गवर्नमेंट इज आइडेंटिफाइंग प्रमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर प्रमोट करेगी सरकार, तो उसके चलते फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ सकता है, उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो सकता है, उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो जैसे वही वाली बात है कि टमाटर जो है तो टमाटर क्यों बेच रहे हो, केचप बना के बेचो, आलू क्यों बेच रहे हो, ठीक है, आलू के चिप्स बना के बेचो। वैसे कोल्ड चेन स्टोरेज क्या है, तो बहुत सारा एग्रीकल्चर या फिर जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, सड़ जाता है, उसे फेंकना पड़ता है। तो आप क्या कर लो, जो फेंक रहे उतना ही अगर बचा लोगे तो ही आपने क्या कर लिया, पैसे कमा लिए, समझ में आ रहा है? तो उसको बचाने के लिए ऐसे कोल्ड चेन स्टोरेज वगैरह ये सारी चीजें मददगार साबित हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, दिस वॉज द होल स्टोरी, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप पॉइंटर्स चार लिख सकते हैं। उसके अलावा देखो, अभी एक चीज समझना कि लोन जरूरी सस्ता क्यों है, मैंने मीम लगाया था, भूल गया चलाना मैं, क्या कि अगर सस्ता लोन नहीं होगा तो लोग इस तरह से फंसते चले जाएंगे, फिर वो बोलेंगे मैं किडनी बेच दो, आंख बेच दो। तो चीप क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लोग क्या करें, चुंगल से बाहर निकल के आए इनफॉर्मल क्रेडिट से। और ये क्रेडिट वाली चीज आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, मनी एंड क्रेडिट में। ठीक है, तो ये सारी स्टोरीज जो मैंने आपको समझाई, सारी चीजें नरेट करी जो, तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट की जा सकती है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है क्या, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको नए सेक्टर्स एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। नए सेक्टर्स क्या है, जैसे अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखोगे तो प्लानिंग कमीशन जो है, जो आज के समय में नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन रेस्ट इन पीस हो गए, पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, 2015 से अब वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो नीति आयोग ने क्या एस्टिमेट लगाया कि नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना पोटेंशियल है, क्या इतना पोटेंशियल है कि बहुत सारे बच्चों तो कभी शिक्षा पहुंची नहीं है, तो उन तक पहुंचाने के लिए लगभग कितनी 20 लाख जॉब्स की बात की जाती है, 20 लाख जॉब अकेले एजुकेशन सेक्टर में क्या की जा सकती है, एजुकेशन सेक्टर में लाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाए। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, वी नीड मेनी डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरियाज। कोविड के टाइम पीरियड में आप सभी ने देखा, ऑब्जर्व किया क्या,
कि किस तरह से हमारा हेल्थ सेक्टर जो है चरमरा गया है पूरी तरह से, ठीक है, तो वहां पे भी पोटेंशियल है कि आप नई जॉब्स और क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आइडेंटिफाई करो कि कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, जहां पे जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर की जैसे बात की गई कि टूरिज्म सेक्टर को अगर प्रॉपरली इंप्रूव किया जाता तो एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल, ठीक है, 35 लाख लोगों को और क्या क्या दिया जा सकता है, जॉब दिया जा सकता है, काम दिया जा सकता है, अगर आप प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं। तो सो दीज आर दी पॉइंट्स, समझ में आया, दीज आर दी पॉइंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एंड एसोसिएट। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपने क्या करा, एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये 5 पॉइंट मैंने आपको समझाया कि क्या क्या किया जा सकता है, इरिगेशन फैसिलिटी लक्ष्मी के एग्जाम्पल से, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और न्यू सेक्टर जो है उन्हें एक्सप्लोर करना। इन सारी चीजों पर ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। अब देखो क्या है, ये सब कुछ करने में मतलब वो ये ना कि ऐसा तो ना कि प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, और कुआं खोदने में तो समय लगेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजों को ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में तो टाइम लगेगा। एट प्रेजेंट क्या बोलते हैं, तुरंत क्या स्टेप ली जा सकती है, तो दी सजेशन डिस्कस्ड टिल नाउ वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इंप्लीमेंट। ये जो सजेशन हमने डिस्कस करें इसको इंप्लीमेंट करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन वही वाली बात है कि भूख अभी लगी है, प्यास अभी लगी है, तो पानी तो अभी चाहिए इंसान को, कुआं खोदने तो बैठेगा नहीं। तो फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म में हमें कोई क्विक मेजर्स चाहिए रहेंगे कि तुरंत क्या हो जाए, एक तरह से बोलते ना कि ऑन स्पॉट समस्या का समाधान हो जाए। कोई लोग घूम रहे हैं बेरोजगार है, हम तो उसको आप क्या बोल दोगे कि चलो रोजगार देता हूं मैं, लेकिन कहां ले जाके दोगे, सरकार के सामने भी यही चैलेंज था। तो सरकार ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्लान्स पॉलिसी लाए। तो रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो सरकार ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कि जो सजेशन से उन सारी चीजों पे काम करेंगे, ठीक है, अच्छा विचार है आपका, करते हैं कुछ प्रबंध उस टाइप से सरकार ने वो तो बोल दिया, लेकिन बात ये थी अभी यहाँ पे क्या कि शॉर्ट टर्म में हम लोगों की समस्या जो है अनएम्प्लॉयमेंट की उसे कैसे खत्म करें। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने राइट टू वर्क को रिकॉग्नाइज करते हुए 625 डिस्ट्रिक्ट्स में एक लॉ इंप्लीमेंट किया, और वो लॉ कौन सा है, मनरेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अगेन कुछ बच्चों की पुरानी बुक होगी तो वहां पे नरेगा लिखा होगा, तो प्रोग्राम सब कुछ सेम है, बस उसका नाम बदल दिया। सरकारें बदलती है, सरकारें क्रेडिट लेने के लिए नाम जो है तो इधर उधर खेलती रहती है नाम के साथ में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको एसेंस समझना है मनरेगा क्या है। देखो यहाँ पे तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, राइट टू वर्क के अंडर में इसको रिकॉग्नाइज किया। तो जैसे हमारे अधिकार होते हैं ना, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ये सारे, तो ऐसे क्या है कि हमारा एक अधिकार ये भी कि सरकार हमें काम दे। हम बेरोजगार बैठना हमें पसंद नहीं है, चौराहे पे बैठ के ताश के पत्ते खेलना किसको पसंद है, लेकिन अब काम है नहीं तो क्या करे आदमी। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में सरकार ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म करते हुए एक लॉ पास किया, मनरेगा। अब सवाल यहां पे बनता है, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर मनरेगा, ठीक है, व्हाई मनरेगा वाज स्टार्टेड, ठीक है, एक्सप्लेन सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ मनरेगा। सवाल बहुरूपिया होगा, वो किसी भी रूप में आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जवाब क्या देना है उसका, ठीक है। तो इस तरह से मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है अगर, तो क्या लिखेंगे आप देखो, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा, ठीक है, इट इज अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम ये क्या चीज है, तो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम मतलब क्या है कि सरकार पैसे लगाएगी, सरकार पैसे लगा के लोगों से काम करवाएगी और लोगों को काम करने के पैसे देगी, ठीक है। आप बोलोगे सरकार इतना क्यों कर रही है, तो अल्टीमेटली आपको क्या बताया था कि कंट्री जो है तो कंट्री में सारी बेसिक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करने का, जैसे आप इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो इरिगेशन फैसिलिटी कोई प्राइवेट प्लेयर क्यों प्रोवाइड करेगा, अगर करेगा भी वो प्राइवेट प्लेयर तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वो बहुत महंगा कर देगा। तो यहाँ पे सरकार को अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ बेसिक सर्विसेज में उतरना पड़ता है, कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ती है। तो सरकार वहां पे काम करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाके क्या करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, तो वहां पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए रहेंगे, तो लोग कहां से आएंगे, वो लोगों को आप सरकार ने कैसी पॉलिसी बनाई, क्या ये हमें काम करवाना है, आपको काम करना है, चलो हाथ मिलाते हैं दोनों, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 जो पास हुआ, इस लॉ के अंदर में क्या आपको देखने को मिलता है कि एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है विच इज स्टेट फंडेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो वर्क क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या हो जाएगा कि पैसा सरकार लगाएगी, पैसा आपको आपकी सैलरी सरकार देगी, तो अंडर बोलो सरकारी नौकरी होगी क्या सर, सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा, लेकिन यह है कि सरकार काम दे रही है आपको, दिखती बात है, ठीक है। तो अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ, ठीक है, वर्क इन रूरल एरिया आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर
बाय दी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनरेगा 2005 में अगर जैसे देखोगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में क्या है, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने योग्य हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं और काम करने योग्य मतलब क्या है कि अभी तुम 4 साल के रखे हो और बोलो कि नहीं नहीं मैं तो क्या करूंगा पूरी नहर अकेले खोद दूंगा, जो काम करना चाहते हैं करने योग्य हैं, तो उन लोगों को क्या करती है सरकार, काम देती है। तो अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो 100 दिन सरकार गारंटी दे रही है कि 100 दिन मैं गारंटी ले रही हूँ, क्या क्या आओ हम तुम्हें काम देते हैं उस टाइप से, ठीक है। अब बोलोगे बस 100 दिन 365 दिन होती है, तो भैया वो खुद भी तो कुछ कर रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम खुद का कर लो, 100 दिन हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, मिनिमम वेजेस मिलेगी मिलेगी, उस तरह से क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म हो गई, लोगों को पैसा मिल जाएगा, सरकार का काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इफ द गवर्नमेंट फेल्स, अब देखो अब सरकार ने बोल तो दिया 100 दिन काम देंगे, क्या काम दोगे, ठीक है, सरकार क्या काम देगी, पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाने का काम तो देगी नहीं सरकार आपको, ठीक, तो सरकार क्या काम देगी, तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि वो सारी काम जो क्या होगा, जो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट होंगे। लैंड की प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि जैसे गड्ढे खोदना मतलब तालाब वालाब बनाना, ठीक है, तालाब बनाना, और उसके बाद में मान लो क्या है कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम होंगे, ऐसे काम क्या करेगी सरकार आपको देगी, ठीक है, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले, तो वही चीज यहां पे बताई गई। तो यदि गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं दे पाई आपको फिर क्या होगा, तो इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये एक मजेदार चीज है कि अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो भी आपको 100 दिन का क्या है बेरोजगारी भत्ता तो मिल ही जाएगा। तो ये तय है कि काम आप रजिस्टर कर लो अपने आप को मनरेगा में, तो काम मिल गया तो बढ़िया है, काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड बी दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंसेस अंडर द एक्ट। तो वह काम जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा उस तरह के काम को प्रेफरेंस दी जाएगी मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, मनरेगा स्कीम के अंतर्गत उस तरह के काम को प्रेफरेंस दी जाएगी, उस तरह का काम जो होगा वो क्या माना जाएगा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। समझ में आया। तो क्या है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम है जहां पे 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, इफ गवर्नमेंट फेल्स देन गवर्नमेंट विल गिव यू द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर ये मस्त प्लान है, ठीक है मैं भी इसमें रजिस्टर करवा लेता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज में ज्यादा फोकस किया जाता है, साथ ही साथ क्या किया जाता है विमेन वगैरह को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरह के काम जैसे अगर आप देख रहे हैं तो क्या कि गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह जैसे अभी टावर वगैरह उस पर पेंट करना है, वो सारी चीजें आप तो पढ़ो लिखो अभी मनरेगा में जाने की मत सोचो, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे तो मनरेगा में काम मिल जाएगा, उस चीज का बैकअप लेके चलना, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है, और नॉलेज इज पावर, अगर आपके पास ज्ञान है शिक्षा है स्किल्स है तो यू विल कम आउट ऑफ द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, डोंट एम स्मॉल, ठीक है, एम बिग। तो ये मनरेगा हो गया। चलो तो जोक्स अपार्ट, अब हमने क्या करा, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी वो एक पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, कैसा चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो हमने बहुत बेहतरीन तरह से उस चीज को समझ लिया अच्छे से कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, तीनों सेक्टर्स जो है तो तीनों सेक्टर्स में कहां कितना एम्प्लॉयमेंट है, किसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर क्यों, टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है तेजी से, ठीक है, उसके बाद में आप ये देखा कि आपने हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो वो पूरी कहानी मनरेगा के बारे में भी पढ़ लिया। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क जो है, तो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों को समझ लिया। अब आपका टॉपिक चेंज हो रहा है क्या, कि डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो काम जो हो रहा है इकोनॉमी में, तो वो वर्किंग कंडीशन भी, कहीं काम बहुत सिस्टमैटिक हो रहा है, फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, तो कहीं पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, कहीं पे सब कुछ फिक्स्ड है ऑर्गेनाइज्ड है और कहीं पे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है चीजें। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो सेक्टर्स और क्लासिफाई किए जा सकते हैं इकोनॉमी में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये एक अलग चीज हो जाएगी, समझ रहे हो पॉइंट को, तो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ये एक अलग चीज हो जाएगी, इसे समझो, इसे समझ के आगे बढ़ते हैं। तो कांता एंड कमल जो है, तो कांता और कमल की कहानी सुनो, यहाँ पे क्या है, ये दो एग्जांपल दिए गए, अच्छे से समझना। कांता और कमल क्या हो रहा है कि कांता ऑफिस में काम करती है, समझना, हाँ, डिवीजन ऑफ सेक्टर एंड इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, या फिर मैं बोल रहा हूँ ना कि वर्किंग कंडीशन जो है, तो वर्किंग कंडीशन के हिसाब से आप किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो किसी भी सेक्टर को ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज। कांता जो है
ऑफिस में काम करने जाती है 9:30 बजे जाती है, 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिक्स है टाइम वर्किंग आवर। सैलरी जो मिलती है हर महीने के अंत में रेगुलरली मिल जाती है। सैलरी के साथ साथ में क्या मिलता है उन्हें, पीएफ वगैरह मिलता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो जैसे एक मतलब सैलरी का एक हिस्सा जो उनका कटता जाता, कट के सेव होता जाता है, और बाद में जब रिटायर होगी तो पैसा लमसम में मिल जाएगा। तो कांता को उस तरह से पीएफ उनका कट रहा होता है, ठीक है, एज पर दी रूल लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। शी आल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, तो उन्हें मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडे की छुट्टी मिल रही है उन्हें। पेड हॉलीडे मिलती है, अगर मान लो किसी दिन बीमार भी होगा तो एक दो चार ऐसी पेड हॉलीडेज भी होती है। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वॉज गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, और जब उन्होंने काम चालू किया तो उन्हें क्या एक अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक मिला था। अब कमल की बारी आती है, देखो क्या है। तो कमल जो है, तो कमल कहां काम करने जाते हैं, तो एक बाजू में ही क्या है कांता, कमल भी मतलब कांता के नेबर है, ठीक है। तो कमल कांता दोनों की ऐसी ट्यूनिंग बन गई, बस नेबर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो कमल इज कांता'स नेबर, ही इज अ डेली वेज लेबरर इन नियर बाय ग्रोसरी शॉप, और उन्हीं के बाजू में जो ग्रोसरी शॉप है लाला सेठ की जो दुकान है उसमें वो काम करते हैं। अब वहां पे क्या है मतलब उन्हें सुबह 7:30 बजे जाना है, रात के 8 बजे तक काम करना रहता है, ठीक है। और उसके बाद में कोई दूसरा अलाउंस नहीं मिलता, जिस दिन काम पे नहीं आएंगे उस दिन पैसे काट लिए जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक चाय मिल जाती होगी उन्हें, तो और कभी कभी क्या बोलते हैं मालिक का मूड अच्छा रहता होगा तो चाय के साथ समोसा हो जाता होगा, बाकी कोई दूसरे अलाउंस नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डू नॉट ही डज नॉट वर्क ही हैज देयरफॉर टू लीव और He has therefore no leave or paid holidays. तो कोई छुट्टी भी नहीं है, संडे के दिन नहीं जा रहे तो संडे का पैसा नहीं मिलेगा, डेली वेज लेबर की तरह है, ठीक है, काम करो पैसा कमाओ उस टाइप से। तो nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. और कोई अपॉइंटमेंट लेटर ऐसा भी नहीं दिया कि आइए आपको अपॉइंटमेंट लेटर है कि आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए कि शक्कर तोलते हैं चावल तोलते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि और अगर मान लो किसी भी दिन ऐसा लगा शॉपकीपर को कि यार मुझे तो ये कमल पसंद नहीं आ रहा, तो उसको जॉब पे से निकाला भी जा सकता है, कांता की जॉब फिर भी सिक्योर है, ठीक है। तो अब दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा, दोनों ही केसेस में आपने देखा कि एक जगह सब कुछ सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक जगह सब कुछ क्या है अस्त व्यस्त है, सब कुछ हवा में है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये दो सेक्टर होते हैं। इन दोनों ही सेक्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, और दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है, समझ गए। तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात अगर हम पढ़े यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन बनता है ये मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का क्वेश्चन बन के आने की एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, डिफरेंशिएट करो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में, ऐसा क्वेश्चन बन के आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो जाएगा, यहां पे देखो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, कांता केस में देखा हमने, ठीक है, कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, वो एक तरह से आपका देखोगे रेगुलर है कि आपको इतना सुबह 9:30 से 5:30 काम करना है फिक्स, ठीक है, और वहां पे सिक्योरिटी भी रहती है, सिक्योरिटी अश्योर्ड वर्क रहता है कि काम रहेगा ही रहेगा उस टाइप से, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। अब ये क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट अलग अलग लॉज पास करती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़े हुए लॉ पास करती है गवर्नमेंट, एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट वही वाली बात है ना कि मिनिमम वेजेस पे करना होगा, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्ट पास करती है तो उसमें बताती है कि फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन ऐसा होना है, पीने योग्य पानी हो, वॉशरूम्स हो, ये सारी चीजें हो, ठीक। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फाइन। वर्कर इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ऐसा नहीं कि इन्हें कभी भी बस मूड बदला कि निकाल देंगे, एक प्रॉपर सिस्टम होगा, निकाल रहे तो नोटिस देंगे पहले, वो सारी चीजें रहती है, समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी रहती है, रोजगार का यहाँ पे क्या रहता है, रोजगार निश्चित रहता है, किस तरह से निश्चित रहता है कि तुम्हें काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा या काम पे से ऐसे निकाला नहीं जा सकता है, ठीक। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर फिक्स रहते हैं, ज्यादा काम करवाएंगे तो क्या होगा, ऐसे समोसा और चाय खिला के पेट नहीं भर देते, अगर ज्यादा काम करवाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तो इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा उन्हें क्या दिलवाया जाएगा, ओवर टाइम दिलवाया जाएगा, मतलब कि ज्यादा काम किया तो उसका ओवर टाइम पैसा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। दे गेट पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब कुछ मिलता है। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं तो कुछ कुछ मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं कि अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपका इंश्योरेंस करवा के दिया है, वो सारी चीजें। ग्रेच्युटी मतलब क्या है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया रहता है तो वो आपको क्या देती है, एक तरह से कह सकते हैं कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो सारी चीजें ग्रेच्युटी की फॉर्म में देखने देने को मिल जाती है। प्रोविडेंट फंड आपके आपकी सैलरी का एक हिस्सा कटते जाता है और वो सेव होते जाता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद या फिर आपकी जब जरूरतें हों तो आप निकाल सको उसे। दे गेट
पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, ये सारी चीज होगी। When they retire, these workers get pension as well. और organized sector में क्या होता है, retirement के बाद में pension भी मिलती है कि हाँ अब आपका retirement हो गया तो retirement के बाद में आपको pension भी मिल जाएगी। ये सारा सब कुछ organized sector का है। Unorganized sector में जैसे अगर आप देखोगे तो इसके उलट क्या हो जाएगा, इसके उलट job security नहीं रहेगी, fixed term period नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो सारी cases हो जाएंगे, कोई दूसरे benefits नहीं रहेंगे। तो the unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहते, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मनमर्जी चलती है, कोई भी वर्किंग कंडीशन हो गई, कोई रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, रूल्स रेगुलेशन होते हैं लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं। समझ में आ रहा है, नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, जॉब्स भी रेगुलर नहीं होती, कुछ समय तक चलता है बंद हो जाता है, लो पेड होती है जॉब, ये सारी चीजें होगी। देर इज नो प्रोविजन फॉर ओवरटाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, आप काम पे नहीं आए पैसा कटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और कोई यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, और कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिल रहा, कोई ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, ये कुछ देखने को नहीं मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रोजगार जो है तो सिक्योर नहीं है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनसिक्योरिटी है किस चीज की, कभी भी निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे हम क्या देख रहे हैं कि कांता का केस जो था, तो कांता का ऑर्गेनाइज केस था, अनऑर्गेनाइज्ड किसका हो जाएगा, कमल का। इसके अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, अब देखो इसके अलावा, हाँ एग्जांपल की अगर बात करते हैं, इसके अलावा एग्जांपल में क्या आ जाएगा कि जो आप स्मॉल फैक्ट्रीज देख रहे हैं या फिर कह सकते हैं जो कैजुअल लेबर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो वेंडर्स वगैरह हो गए, तो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं उनके काम की कब तक उनका काम चलेगा और वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट उस तरह से। लेकिन ऑर्गेनाइज में जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज जो होगी वो सब ऑर्गेनाइज में आ जाएगी, समझे, वो सब ऑर्गेनाइज में आ जाएगी। अब अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है मोस्ट डिजायरेबल, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज मोस्ट डिजायरेबल। व्हाई इट इज मोस्ट डिजायरेबल, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको देखा ना, वहां पे बेनिफिट्स कितने सारे हैं, लेकिन काम करने वाले के लिए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर डिजायरेबल होगा, लेकिन जो काम दे रहे हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी अनऑर्गेनाइज बन जाएं तो कितना अच्छा है। क्यों, क्योंकि अनऑर्गेनाइज में कोई पेंशन नहीं देना है, कोई पीएफ नहीं कटना है, अनऑर्गेनाइज में कोई दूसरे बेनिफिट्स नहीं है, कोई पेड लीव नहीं देना है, जिस दिन काम पे आएंगे लोग उसी दिन काम देंगे, वो सारी चीजें। तो वो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करने वालों के लिए बहुत डिजायरेबल होता है, लेकिन जो लोग काम दे रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट, बट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। इनफैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कंपनीज वगैरह हैं, दे ट्राई टू एक्ट लाइक अनऑर्गेनाइज, दे ट्राई टू इवेड दी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि उससे उन्हें फायदा होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कुल मिला के जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है, जिसकी ज्यादा चाह रहती है ना लोगों को, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया क्या कि ऑर्गेनाइज सेक्टर डिजायरेबल ऐसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हो क्या रहा है दिक्कत, लेकिन वहां पे दिक्कत ही हो रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ में कि वो बहुत स्लोली स्लोली एक्सपैंड कर रहा है, और वो जब बहुत स्लोली एक्सपैंड कर रहा है तो वो एक समस्या का कारण बन गया। कैसी समस्या का कारण बन गया कि लोग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, तो लोग जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं मिल रहा, तो लोग किधर की तरफ भागेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह। ठीक है, तो अब जब व्हेन दी, हाँ ये वाला पॉइंट समझना अच्छे से, बट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, सो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का। ठीक है, और अब जब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उनके प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा विशेष जरूरत है। कहानी समझ में क्या पैटर्न है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों समझ में आए। अब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उतना काम है नहीं, और जो काम है तो वो लोग भी अनऑर्गेनाइज बनने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ समस्या क्या है कि वहां पे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अब पॉइंट ये है कि आप वो जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन वर्कर्स को एक्सप्लॉयट होने से कैसे बचा सकते हो, दिस इज द पॉइंट। उन वर्कर्स को आप एक्सप्लॉयट होने से कैसे बचा सकते हो, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, वर्कर्स नीड द प्रोटेक्शन, आप कैसे बचाओगे, तो देखो रूरल एरियाज में कौन आ जाएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स आ गए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आ गए, शेयर क्रॉपर्स आ गए, आर्टिशंस आ गए, ये सारे लोग कहां आएंगे, ये सारे लोग रूरल एरियाज में उसमें आ जाएंगे, मतलब ये सारे लोग रूरल एरिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले। वैसे अर्बन एरिया, अगर शहरी क्षेत्र में आप देखोगे, तो वर्कर्स इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज मतलब गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है उस टाइप की, ठीक है, तो वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट वेंडर्स, हेडलोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पीकर्स,
ठीक है, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, अर्बन एरिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो गए। ठीक है, तो रूरल एरिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अर्बन एरिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब सवाल ये है हाउ टू प्रोटेक्ट देम, इन्हें बचाओगे कैसे आप? तो जैसे रूरल एरियाज में आप देख रहे हैं कि अधिकतर लोग क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उन्हें अगर सरकार क्या करती है टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स वगैरह दे देती है तो कुछ तो मदद मिल जाएगी ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह में तो चलो ठीक है क्या कि एम्प्लॉयर होता है उनका ध्यान रखने के लिए, लेकिन किसान वगैरह जो है तो उनका ध्यान कौन रखेगा, वो कैसे आगे ग्रो करेंगे? तो यहाँ पे आपको रूरल एरियाज में ये देखने को मिल रहा है कि टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स हो जाए वो ज्यादा जरूरी है, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स, उन्हें एग्रीकल्चरल इनपुट्स वगैरह मिल जाए जिससे क्या हो, जिससे उनका काम चल जाए। ठीक है, चीप क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, तो मार्केटिंग आउटलेट्स हो, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अनऑर्गेनाइज पार्ट के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में या फिर कह सकते हैं अपने सपोर्ट में ले ले। ठीक है, अपने सपोर्ट में ले ले। तो यहाँ पे वो वाला पार्ट आ गया आपका। ठीक है, सीड्स दे दो, एग्रीकल्चरल इनपुट दे दो, चीप क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केटिंग आउटलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें दे दो। वैसे अगर आप देखोगे अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में क्या है कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन दी प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में इनकी मदद कर दे। जैसे मान लो क्या है, हेडलोड वर्कर है, गारमेंट मेकर्स है, तो इन्हें गवर्नमेंट क्या है कि अगर थोड़ा सा सपोर्ट ऐसे दे दे कि रॉ मटेरियल वगैरह दे दिया। ठीक है, स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चला दिए जिसके चलते, जैसे अगर आप देखोगे क्या है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू करी थी, क्या कि उसमें श्रमिक कार्ड बना दिए गए। श्रमिक कार्ड मतलब क्या है कि जो इस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज वगैरह लेके आ गई। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग एक बोलते ना कि एक सिक्योर साइड पा जाएंगे, वो जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है मार्केट का उसकी मार उनके ऊपर कम हो जाएगी थोड़ी सी। दिस इज द पॉइंट। तो उस तरह से रूरल एरियाज अर्बन एरियाज दोनों में ही आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोनों ही जगह किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आपका यही बनता है। क्या बनता है, किधर गया ये क्वेश्चन, किधर गया हाउ टू प्रोटेक्ट वाला, कहां है, नहीं है, ये रहा नीड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। तो इसको बना देते हैं क्या कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दी वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्ट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये रूरल एरियाज में और ये अर्बन एरियाज में इस तरह से गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल सो दैट दी वर्कर्स और कह सकते हैं कि पीपल वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको मैं एक डबल डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन समझाता हूँ। डबल डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन क्या होती है सर, अच्छे से समझना। क्या हो रहा है कि आपने देख लिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो तो एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं बेचारे, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं साथ ही साथ क्या है, या तो वो शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, ठीक है, या फिर क्या है बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं, तो उसके चलते क्या होता है, वो एक तो समाज में सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दोनों फेस करना पड़ रही है। इकोनॉमिकली दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, साथ ही साथ इन सोसाइटी देयर पोजिशन इज रिलेटिवली बैड वेन कंपेयर्ड विद द फॉरवर्ड कास्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कास्ट मतलब क्या कि जैसे अपर कास्ट के लोग वगैरह हो गए, तो वो क्या है समाज में इस तरह से सामाजिक रूप से उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता है। तो अब अगर आप यहां दोनों ही केसेस को देखोगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्या कि ऐसे जो वर्कर्स हैं, those who belong to scheduled caste, scheduled tribe और backward community, and if they are working in unorganized sector, तो they are facing the double problem, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे क्या है कि double disadvantages समझा रहा हूँ। तो besides getting the irregular and low paid work, these workers are also facing social discrimination। एक example देता हूँ मैं, जैसे क्या है मान लो painter जो हो गए ना, घर की painting वेंटिंग करते हैं, तो अब वो क्या है किसी unorganized sector में painting वेंटिंग का काम कर रहे हैं। अब unorganized sector में painting वेंटिंग का काम कर रहे हैं तो वो पेंट के लिए किसी के घर में गए, उस घर वाले इंसान ने बोल दिया कि नहीं नहीं तुम तो छोटी कास्ट के हो तो मैं तुमसे पेंट नहीं करवाऊंगा अपने घर में। आगे समझ में? तो क्या है देखो, पहली बात तो क्या है, काम की कमी, इरेगुलर वर्क, लो पेड वर्क था, और ऊपर से क्या हो गया, गरीबी में गिला आटा, कि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये वही चीज बताई गई कि तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस केस में अगर आपको पूरा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चाहिए वर्कर्स का, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर रूल्स, मतलब अनऑर्गेनाइज पहले तो सेक्टर्स पर कोशिश किया जाए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट रडार के अंदर लाया जाए, और वो ग्रेजुअली होगा, लेकिन बोल सकते ना इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए सरकार को सपोर्ट देना पड़ेगा, सरकार को उतरना पड़ेगा फॉर दी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दी पीपल। समझ में आया? सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट, मतलब पब्लिक प्राइवेट तो पढ़ेंगे हम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर पढ़ लिया,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के साथ साथ में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दो तरह के क्लासिफिकेशन जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के, वो समझ लिए। अब तीसरे तरह का क्लासिफिकेशन क्या है, देखो तो जैसे मैं आपको बता रहा ना कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को। अब आ जाओ जरा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप फिर बेसिस बदल रहे हो। अब बेसिस क्या ले लिया आपने कि उन सेक्टर्स का ओनर कौन है, अब आपने बेसिस ये ले लिया कि सेक्टर का ओनर कौन है, तो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप में आप क्या देखोगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ओनरशिप के हिसाब से क्या होगा, ओनरशिप के हिसाब से एक सेक्टर पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, दूसरा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होगा जहां पे गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो गवर्नमेंट ओन सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कहेंगे। और जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या कर रहे होते हैं, देश चला रहे, इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं, या फिर इकोनॉमी का वो वाला पार्ट जहां पे प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स की क्या है, कंपनीज वगैरह है, तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। एग्जांपल जैसे इंडियन रेलवेज, अब होपफुली वो बचना चाहिए पब्लिक, ठीक है प्राइवेटाइज उसको भी किया जा रहा है, लेकिन अगर आप जैसे देखोगे तो ब्रॉडली इंडियन रेलवेज जो है, तो ब्रॉडली इंडियन रेलवेज किसके अंडर में जाएगी, पब्लिक सेक्टर के अंडर में जाएगी। वैसे आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या जाएगा, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई है, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा हो गई, तो ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आ जाता है, ठीक है। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, आगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक चैप्टर पढ़ोगे ना, आगे और चैप्टर जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी के तब आप पढ़ोगे क्या। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो ध्यान रखना विशेष रूप से क्या, कि सारे चैप्टर जो होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जब इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहां पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यहीं पढ़े, इस क्रिस क्रॉस करा करो अपने दिमाग में, तार इधर से उधर जोड़ दिया करो कि अच्छा इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है, इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है, समझ रहे हो। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से क्रिस क्रॉस करके जोड़ना सीखो। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप में पब्लिक और प्राइवेट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप बोल दो यहाँ सर, वन इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड वन इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर जो होता है, सरकार इंडस्ट्रीज क्यों चला रही, देश चलाओ ना, तो देश चलाने के लिए इंडस्ट्रीज चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि अब जैसे रेलवेज है, तो रेलवेज कम पैसे में क्या होना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वहां पे सरकार लॉस खा के भी क्या करती है, सरकार लॉस खा के भी सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहां पे मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने जेब से पैसा लगा के आपको सर्विसेज नहीं दे सकता है लॉन्ग टर्म में। क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या चाहेगा, प्रॉफिट मोटिव रखेगा, वो ये चाहेगा कि एक समय वो पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, और पब्लिक सेक्टर का मोटिव सर्विस मोटिव होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर का सर्विस मोटिव होता है, प्राइवेट सेक्टर और मतलब पब्लिक सेक्टर का सर्विस मोटिव होता है, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। ध्यान रहे, ये पॉइंट क्लियर रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है, सस्टेनेबिलिटी रखना है ताकि उसका बिजनेस चलता रहे, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर जो होगा, तो पब्लिक सेक्टर चाहे लॉस खा लेगा लेकिन सरकार क्योंकि टैक्स भी तो ले रही है, तो उस टैक्स के पैसे से वो सर्विसेज मिलती रहना चाहिए लोगों को, ये इंश्योर करती है सरकार, समझ में आया। तो ये ओनरशिप के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वो उस तरह से सवाल बन जाता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको कि पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है, तो मैंने बताया ना कि जैसे एम्स का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एम्स हॉस्पिटल जो होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 10 रुपए में आपकी पर्ची कटती है, पर्ची कटती है इन द सेंस कि 10 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन होता है ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर की फी जो रहेगी वो 10 रुपए रहेगी, लेकिन वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। तो और ये तय है कि जितने की आपको फैसिलिटीज देंगे उससे कम पैसा लेंगे आपसे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ सर्विसेज बेसिक सर्विसेज होती है जो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार को देश चलाना है तो देश कैसे चला पाएगी, सरकार जब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सर्विस मोटिव से काम करेगी सरकार, ठीक है। तो उस सेंस में पब्लिक सेक्टर का सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। तो मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज, तो दो सवाल निकल के आए, ठीक है। तो सरकार आज के समय में क्या कर रही है, इस तरह से सर्विस मोटिव के चलते जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज पे पैसा स्पेंड कर रही है, तो क्यों स्पेंड कर रही है, सवाल ये है, ठीक है, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया कि वो सारी सर्विसेज विच आर बेसिक इन नेचर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन पे सरकार
पैसा खर्च करती ही करती है, और उसी के साथ साथ में क्यों करती है तो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज है, सरकार हमसे टैक्स ले इस चीज के लिए रही है कि वो देश चला पाए, देश के नागरिकों को बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि पैसा कौन देगा सरकार को, तो सरकार को पैसा देने की जब बात आती है, सरकार को पैसा हम टैक्स के फॉर्म में दे ही रहे हैं, ठीक है, तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके सरकार लॉस खा के भी सर्विस मोटिव के साथ में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ सर्विसेज जो है ना, तो अभी ये क्वेश्चन बनता है कि why certain services cannot be provided by private players, या फिर why the government intervention is required to provide certain services। ठीक है, कुछ services provide करने के लिए government को intervene करना ही पड़ता है। Point ये है कि ऐसा क्यों? तो देखो, there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost। ये point समझो अच्छे से कि सरकार को क्यों intervene करना पड़ता है, क्योंकि कुछ services ऐसी होती है जहां पे आप, जहां पे मतलब जहां पे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जो जो क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है सोसाइटी के लिए, और अगर ये प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ये सर्विसेज आपको रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी को चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, और प्राइवेट सेक्टर जो है तो रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो तो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए, हर इंसान को चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर सरकार प्रोड्यूस ना करे, प्राइवेट प्लेयर को दे दी जाए, तो प्राइवेट प्लेयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके चलते जो कॉस्ट आएगी तो उस कॉस्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे और फिर प्रोवाइड करेंगे, और उसके चलते क्या होगा, बहुत महंगी हो जाएगी, सोसाइटी एज ए होल, पूरी सोसाइटी को चाहिए, तो फिर आगे लोग कैसे चला पाएंगे, क्योंकि महंगी हो जाएगी बहुत ज्यादा, समाज को चाहिए भी वो फैसिलिटी, तो वहां पे सरकार क्या बोलती है, पता है, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है विदाउट थिंकिंग दैट वेदर गवर्नमेंट विल अर्न फ्रॉम दैट और नॉट। सरकार ये नहीं सोचती, जैसे एक डैम का एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक डैम का एग्जाम्पल लेते हैं, डैम जब बनाया जाता है तो एक डैम को बनाने में 60-70 साल लग जाते हैं। कोई प्राइवेट प्लेयर थी, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कभी डैम बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता है हम बनाना चालू करेंगे तो हमारे पोते जो पैदा होंगे, ठीक है, तो वो पोते जो पैदा होंगे तो वो भी पता नहीं प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे उसमें से। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो काम होता है, किस पे, डैम वैम बनाना, ये सारी चीजें। लेकिन अब डैम नहीं होंगे तो फिर बताओ इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें कहां से आएगी, ये सारी फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करोगे? तो यहां पे सरकार क्या बोलती है प्राइवेट प्लेयर से कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ये बोलती है कि कुछ सर्विसेज जो हैं, तो कुछ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें स्पेंडिंग बहुत ज्यादा लगती है, प्राइवेट सेक्टर उसमें उतने समय तक टिक नहीं पाएगा, तो देयरफॉर गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट इज नीडेड टू स्पेंड ओवर सम एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? दूसरा कारण देखो क्या है, तो देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, एक्टिविटीज लाइक सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, पीडीएस सिस्टम एक्सेट्रा। तो कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होती है, क्या होती है, कि जिसमें प्राइवेट प्लेयर घुस ही नहीं सकते, और कुछ एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट को इसलिए स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी तो वो एक्टिविटी चलेगी ही नहीं। जैसे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज जो है, तो इंडस्ट्रीज अपना कुछ भी बना रही है, ये मार्कर बना रही है, रिमोट बना रही है, कैमरा बना रही है, सब कुछ। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज ये सारा सब कुछ कब बना पाएगी, जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन इंडस्ट्रीज के पास इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, इंडस्ट्रीज के पास इलेक्ट्रिसिटी तब होगी जब सरकार वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगी, और अगर सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी महंगी करके पहुंचाना चालू कर दी तो इंडस्ट्री वाले क्या बोलेंगे, ताला वाला डालो, चलो कुछ बच नहीं रहा है। आया समझ में? तो उस केस में अब आप यहां पे कहानी को जोड़ते चलना मेरे साथ, क्या कहानी को जोड़ते चलना, कि ये जो पॉइंट है आपका कि देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो वो एक्टिविटीज चल ही नहीं पाएगी। समझना इसको अच्छे से। एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, जैसे पीडीएस। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा, ध्यान करो थोड़ा सा, कि जहां पे क्या होती है, सरकार जो रहती है 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदती है किसानों से, स्टोर करती है गोडाउन में सब कुछ, और उसको 2 रुपए किलो के हिसाब से गरीबों में बांटती है। ठीक है, तो अब सरकार लॉस खा के क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है मैं नहीं करूंगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या हो कि जो डाउन रोडन सेक्शन है, पॉवर्टी को खत्म करना है, तो सरकार क्या करती है, इस तरह से कुछ सर्विसेज जो है तो लॉस खा के भी क्या करती है, सरकार प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो बेसिक एसेंशियल होती है और वहां पे प्राइवेट प्लेयर नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो वो एक्टिविटीज चल ही नहीं सकती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर गवर्नमेंट कम दाम पे नहीं बेचेगी तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वो होता है। तो वाई, तो वाई इसमें आप क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट एनकरेजेस इट।
प्राइवेट सेक्टर भी काम नहीं कर पाएंगे जब तक सरकार क्या नहीं करेगी, जब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और साथ ही साथ मेनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। सरकार अगर बिजली नहीं देगी तो छोटे यूनिट तो बंद ही हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज टू बियर द पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट लॉस खाती है इसलिए क्योंकि क्या कर सके, वो काम चलता रहे बस, इकोनॉमी चलती रहे बस। ठीक है, तो ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैंने आपको बताया। अब दोनों सेक्टर जो ओनरशिप के बेसिस पे बताया तो उसमें क्या डिफरेंस था, किस तरह से काम आगे बढ़ेगा, वो मैं आपको समझाते चल रहा हूं। ठीक है, तो उसको करेक्ट करते चलना और आगे बढ़ते चलना। तो गवर्नमेंट जो है तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग क्यों एसेंशियल है कुछ सेक्टर्स में, व्हाई सर्टेन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, और व्हाई सर्टेन सर्विसेज आर व्हाई सर्टेन सर्विसेज कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो लॉस होता है एंड गवर्नमेंट इज फोर्स्ड नोइंगली और अनोइंगली, गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है क्या कि उसको कॉस्ट का एक पार्ट बियर करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक कारण ये भी कि क्यों गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने आपको एम्स का एग्जांपल दिया, जैसे मैं आपको केंद्र विद्यालय स्कूलों का एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे बच्चे केवी से पढ़ रहे होंगे अभी। तो अब क्या हो रहा है कि केंद्र विद्यालय में जिस तरह से आप देखते हैं कि जो जिस फीस पे उस तरह का एजुकेशन वगैरह सारी चीजें दी जाती है, तो वो गवर्नमेंट लॉस में है फिर भी प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट लॉस खाने के बावजूद भी क्यों सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पता है? तो गवर्नमेंट लॉस खाने के बाद भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है तो उसके पीछे का कारण ये है सिंपल सा, क्या कि गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस बिकॉज दिस इज द बेसिक या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, अगर शिक्षा से सरकार हाथ खींचने लगेगी अपने पीछे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो कुछ जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है, बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट इज फोर्स टू स्पेंड ओवर दिस। ठीक है, गवर्नमेंट इज फोर्स टू स्पेंड ओवर दिस, समझ में आया, ये कहानी रहती है। चलो आई गेस बोर्ड जो है हमारा तो वो थोड़ा सा बीमार हो गया, उसको वापस अपन सुधारते हैं, सही करते हैं, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में क्या देखो, दी गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन, पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब इसी नोट पे मैं ये भी बोलता हूँ कि हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है, यूट्यूब माइट एंजॉय नाउ लाइक दिस, हाँ चलो फाइनली चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन आपको एक बार अभी छोड़ूंगा नहीं, एक बार पहले पूरा रिवाइज जरूर करवाऊंगा। आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर पढ़ा, तो इसमें खास करके लास्ट वाला टॉपिक जो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते, तो इसको मैं अब आपको शॉर्ट में क्रक्स में समझाता हूँ। देखो, आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया। तीनों सेक्टर को बहुत अच्छे से समझने के बाद में आपने अगली कहानी क्या पढ़ी, क्या आपने देखा कि इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की क्या स्थिति है, जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इंटरमीडिएट का पहले से कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, वो सब कुछ आ गया समझ में। ठीक है, इंडिया में क्या स्थिति है, तो इंडिया में आप देखोगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी दादा भाई टाइप से थोड़ा सा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जब वो बात आती है तो टर्शरी में उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि वो जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, तो कारण ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ ही नहीं, और साथ ही साथ प्राइमरी में जो लोग काम कर रहे हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयड। तो अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, चीप क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, नए सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, मनरेगा वगैरह, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। फिर ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या देखोगे, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लिए, और उसके बाद में कि कैसे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो वो भी देख लिया। लास्ट में आपने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा। अभी जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा, तो यहां पे आपने क्या सीखा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, उसमें आपने सीखा कि कैसे पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका मोटिव सर्विस मोटिव होता है, और उस सर्विस मोटिव को ध्यान रखते हुए क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। व्हाई पब्लिक सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड, तो ध्यान रखना कि कुछ सर्विसेज जो होती है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना चल नहीं सकती है, कुछ सर्विसेज जो होती है तो उसमें इतना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर नहीं सकता है, तो उसके चलते क्या है, प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोवाइड करेगा भी तो रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं करेगा, तो सरकार क्या बोलती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसके लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड ओवर दीज। ठीक है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया। अब नाचो गाओ, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट, चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर खत्म हुआ। तो जैसा हमारा पैटर्न रहता है कि अब चैप्टर खत्म होने के बाद आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो यू कैन कनेक्ट इन दी स्पेशल क्लास, अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो उस स्पेशल क्लास में कनेक्ट कर सकते हो आप। स्पेशल क्लास पे जैसे आज आपको ये लेक्चर मिल रहा है, तो जैसे जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, मतलब प्रीमियर जब हो रहा तुरंत देख रहे हैं, तो 5:30 से 6:30 जो रहता है हम क्या करते हैं, ये चैप्टर डिस्कस करते हैं, मतलब चैप्टर के ऊपर जो भी आपके डाउट्स हैं, तो डाउट सॉल्विंग में आपको क्या हो जाएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो डाउट्स हैं वो अभी हम क्लियर करेंगे। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज क्या है यहाँ पे, तो आप लोग स्पेशल क्लास तो अटेंड करते ही करते हैं, उसी के साथ साथ एज यू पीपल नो कि अनअकैडमी प्लस पर जो पेड प्लेटफॉर्म है वहां पर दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है आइकॉनिक।
प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। आप इन लेक्चर्स को लाइव अगर मिस कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइब्रेरी वहां पे क्रिएटेड रहती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और एडेड एडवांटेजेस होते हैं, जैसे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है, जहां पे आपको और 1-to-1 पर्सनल अटेंशन मिल जाता है, आपको एक मेंटर मिल जाते हैं। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है फॉर 12 मंथ पर मंथ के हिसाब से 1653 रुपीस पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। बट इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, देन यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन फॉर 1488। एंड सिमिलरली फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो आपको 3086 रुपीस में पड़ता है, इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज देन यू विल गेट इट फॉर 2777। ये दो सब्सक्रिप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ दिस इज द राइट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन। व्हाई? देखिए, अनलॉक 20 वाला ऑफर चल रहा है, विच इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, 27 से 38 जून तक एक लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, जहां पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। Yes, you heard it right. If you are using the code DIGRAJ Digraj, then you will get the 20% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription. तो Plus subscription से आपको 12 month का जो कह सकते हैं कि subscription है वो 1587 में पड़ेगा throughout the year, और Iconic subscription जो है तो वो आपको 12 month के लिए 29,000 में पड़ेगा if you are taking the subscription in this time period. ये बैचेस हैं, ये जो बैचेस चल रहे हैं, तो जैसे अगर आप अचीवर्स बैच की बात करेंगे तो अचीवर्स बैच अभी 15 जून से स्टार्ट हुआ है क्लास 9th के लिए। क्लास 10th के बैचेस की अगर बात करें तो अभी ये अचीवर्स बैच क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट हुआ है। मेरी जो क्लासेस रहती है वो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे रहती है, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 7 PM to 8 PM मेरी क्लासेस रहती है। तो ये सारा सब कुछ था चैप्टर के बारे में। आई गेस आपने चैप्टर भी इंजॉय किया और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई है। अगर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा है तो यू कैन रिपोर्ट इट एंड विन प्राइजेस अंडर बग्स बाउंटी प्रोग्राम। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कैसा लगा? कोई डाउट है अगर तो डाउट सॉल्विंग क्लास है, आप उसमें अटेंड कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें हम डाउट सॉल्विंग क्लास में और आगे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।